और क्या समझाई थी कि मार्केट देखो ग्रीन है, ध्यान से सुनना, मार्केट ग्रीन है और आपकी जो बेस लाइन है वो नीचे है, अभी देख रहे हैं क्लाउड से बाहर है ना। हमने ऐसे केस में क्या बोला था, ऐसे केस में आप क्या करेंगे, क्यों गरिमा जी क्या करेंगे ऐसे केस में? सर, ऊपर आने का वेट करेंगे इसका, बेस लाइन का। बेस दो चीजें आप यहां पर करेंगे, पहली बीच बात में तो मिनिमम आना चाहिए। यस, पहली बात तो इसको यहां तक आने का वेट करेंगे, राइट। हाँ सर। और दूसरी बात मार्क, एक मिनट दीजिए जरा मेरे को, 1 मिनट, जस्ट 1 मिनट। जी यस विवेक जी, मेरे को 5 मिनट दीजिए, 5 मिनट बाद में क्लास को शुरू कर रहा हूँ, राइट। अच्छा देखिए, मैं आपको एक चीज समझा रहा था और मैं क्या बता रहा था आपको कि देखिए क्लाउड ग्रीन है, राइट। मतलब हम ये देख रहे हैं कि हम कब से बाइंग करेंगे और कब तक मार्केट नीचे आ सकता है, राइट। और हम बाइंग करें या सेलिंग करें, हमारा क्वेश्चन ये है। हमारे पास 3 क्वेश्चन है। पहला क्वेश्चन तो ये है कि मैं बाय करूं या सेल करूं, पहला बात। दूसरी बात, अगर मार्केट बाय में है तो बाय होगी कहां से? सर मार्केट वैसे बाय में तो है, लेकिन हमें कन्वर्जन लाइन तक सेल कर सकते हैं क्योंकि गैप के लिए मार्केट आए। यस 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 यस, मतलब बाय जो है, बाय में लूंगा कहां से? और तीसरी बात, क्या बाय के, यस, क्या बाय के सिम्टम है, राइट। तीन चीजें मेरे को यहां पर चाहिए। तो अब हम चेक करते हैं, देखो मेरा क्लाउड ग्रीन है, राइट, और यहां पर कन्वर्जन लाइन बाहर निकली हुई है। बताएं मार्केट में अगर सेलिंग आनी है तो कन्वर्जन लाइन को नीचे आना पड़ेगा या नहीं? हाँ सर बिल्कुल। आप देखें मार्केट, एक छोटा सा कंसेप्ट है, अजीब सा कंसेप्ट है मगर है, कंसेप्ट है सही। देखो मार्केट जब सेलिंग में आया था तो कन्वर्जन लाइन नीचे निकली थी ना, आपकी बेस लाइन भी नीचे निकली थी। इसका मतलब जब सेलिंग आएगी तो ये दोनों लाइन को नीचे आना पड़ेगा, या इसका रिवर्स बोलते हैं, अगर ये दोनों लाइन नीचे आ गई तभी सेलिंग आएगी, राइट। दूसरा, जब बाय आई थी पहले, जब कभी बाय आई थी पहले तो बाय के केस में क्या हुआ था? देखे यहां पर, देखे और दिखा देता हूं, ये देखिए कोई सा भी जगह पकड़ लीजिए, कन्वर्जन लाइन और बेस लाइन दोनों बाहर निकली थी ना जब बाय हुआ था। अब हम केस करते, अब केस आगे चेक करते हैं। देखो केस यहां पर क्या हुआ, कोई और केस पकड़ लेता हूं मैं, कोई ये देखिए। अब जरा इस केस को समझे थोड़ा सा, कि जब मार्केट में कन्वर्जन लाइन अपने क्लाउड के अंदर घुसी थी, इसका मतलब क्या था? इसका मतलब ये था कि आपकी बाइंग कोई हो सकता है आ जाए, हो सकता है आ जाए, कोई कंडीशन नहीं थी आपकी, कुछ मतलब 30% था कि शायद बाय आ जाए। लेकिन ये किस पर डिपेंड होगा? ये डिपेंड होगा आपकी बेस लाइन पर, राइट। अगर बेस लाइन भी क्लाउड के अंदर घुस जाएगी और आपकी कन्वर्जन लाइन भी बाहर निकल गई, और बेस लाइन अंदर भी है तो भी, या बाहर निकल गई तो भी, इसका मतलब अब सेलिंग के चांसेस नहीं होंगे, राइट। आप देखो कन्वर्जन लाइन बाहर निकल गई, बेस लाइन अंदर थी, क्लाउड के अंदर थी, तभी भी सेलिंग का चांस नहीं था। देखिए सेलिंग नहीं होती है जल्दी से, और मार्केट बाहर निकला तो आपको बाय दे देगा। इसका मतलब आपके पास ये है कि मार्केट के अंदर बेस लाइन को कम से कम क्लाउड के अंदर घुस जाना चाहिए, राइट, अगर बाय से ये लेनी है तो। चलते हैं हम आगे पॉइंट पर, अब आगे आते हैं अपने पॉइंट पर। इसका मतलब अब क्या हुआ कि मार्केट देखो कन्वर्जन लाइन तो बाहर निकल रखी है, मगर बेस लाइन बाहर है ना नीचे, क्या मतलब हुआ? मतलब ये हुआ कि हो सकता है सेलिंग भी आ जाए, ऐसे गिर जाए मार्केट, पॉसिबल है कि अगर, लेकिन एक बार अगर क्लाउड के अंदर घुस गई है तो फिर मार्केट का नीचे गिरना मुश्किल हो जाएगा, पहला पॉइंट। अब मार्केट जब तब तक क्या करेगा जब तक ये यहां पर घुसेगी नहीं, आप बताएं तब तक क्या करेगा? साइडवेज, तब तक मार्केट साइडवेज है। अब मार्केट साइडवेज है तो अब क्या करेगा मार्केट? साइडवेज के केस में मार्केट क्या करता है? साइडवेज के केस में मार्केट यही घूमता रहेगा, राइट, ऐसे करके। या फिर ऐसा कर सकता है कि मार्केट यहां पर कन्वर्जन लाइन तक आ जाए नीचे,
और ज्यादा चांसेस किसके रहते हैं? यस, ज्यादा चांसेस किसके रहते हैं ऐसे केस में? मार्केट के कन्वर्जन लाइन तक आने के, राइट? या फिर और अच्छा आपके लिए रहेगा कि मार्केट बेस लाइन तक आ जाए। अब क्वेश्चन ये है कि कन्वर्जन लाइन तक ज्यादा अच्छा है मार्केट या बेस लाइन तक ज्यादा अच्छा है? आपके लिए क्या अच्छा है? सॉरी, क्लाउड पर, क्लाउड पर आ जाए वो ज्यादा अच्छा है। क्लाउड पे उसका रीजन क्या है? आप उस रीजन को समझे और अपनी उस पोजीशन का वेट करें। देखो, अगर मार्केट यहाँ पर रहेगा कन्वर्जन लाइन पे, तो इसको केवल और केवल कन्वर्जन लाइन का सपोर्ट है, राइट? लेकिन अगर मार्केट क्लाउड तक आ जाएगा तो इसको एन वेव का भी सपोर्ट मिल जाएगा, राइट? इसका मतलब मार्केट को मैं कहां पर जजमेंट करूंगा? मार्केट का जजमेंट मेरा रहेगा, मैं अगर बाय करूंगा तो मैं यहां कहीं बाय करूंगा, इसको तो मेरे लिए ज्यादा अच्छा रहेगा, मैं ऊपर बाय नहीं करूंगा। मतलब करने को कर सकते हो, चाहे तो एवरेज आउट भी कर सकते हैं आप, लेकिन वो डिपेंड करता है। अगर कोई फ्यूचर खरीदोगे, यहां से आपने फ्यूचर खरीदा तो यहां तक आते आते आपको शायद 8-10 हजार का नुकसान दिखाए, और आपको यहां से एवरेज आउट करोगे तब मार्केट ऊपर जाएगा। या फिर फ्रेश पोजीशन बना लो यहां से, क्यों? सीधा फ्रेश पोजीशन बनाओ। तो इसका मतलब मैं कब बाय करना शुरू करूंगा? मेरे को ज्यादा अच्छा बाय तब मिलेगा जब आपका जो कैंडल है वो यहां पर या यहां पर हो और आपकी बेस लाइन यहां अंदर घुस जाए, राइट? जी। अब केस ये आ गया कि बेस लाइन कब जाएगी अंदर? अब जरा टाइम का थोड़ा इशू चेक करते हैं, बेस लाइन कब जाएगी? अब बताएं, क्या ये एक दिन की कैंडल है? एक दिन की, आप बताएं क्या आज बेस लाइन जा सकती है अंदर? नहीं है ना कोई कंड। मैं तो आपको सिंपल सी थ्योरी बता रहा हूँ, आज बेसलाइन अंदर नहीं जा सकती, आप कुछ भी कर लें। इसका मतलब अगली जो कैंडल बनेगी, अब जरा केवल आप इसकी लाइन चेक करें कि अगली कैंडल कब बनेगी और कब आप इसे ले जा पाएंगे। ये देखिए, मैं इसको मार्क करता हूँ, ये मेरी मार्किंग है आज की, राइट? और इन दोनों का डिस्टेंस कितना रहता है? यस, एक कैंडल से दूसरी कैंडल में डिस्टेंस कितना रहता है जरा बताएं? इस कैंडल से और इस कैंडल में डिस्टेंस कितना है? 16% के आसपास है, 1.5% 1.25। मैं इसको थोड़ा पास में कर लेता हूँ, एक चीज दिखाता हूँ। देखिए आपको, मैंने इस कैंडल और इस कैंडल में डिस्टेंस चेक किया तो कितना है? अराउंड 17 दिख रहा है। दूसरी कैंडल में डिस्टेंस चेक करते हैं जरा, ये थ्योरी अलग है थोड़ी सी। इस कैंडल में और इस कैंडल में लगभग 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 देखिए, मेरे को ये 2.20 दिखा रहा है, एक मिनट में डिस्टेंस चेक कर लेता हूँ। आप इसे वैसे भी नाप सकते हैं, रफली नापें, क्योंकि यहां से बहुत अच्छा नहीं देगा आपको। यहां से कितना डिस्टेंस आता है इसका यहां तक सेंटर तक? डायरेक्टली देगा नहीं, अगर मेजर कर पाए ऊपर से देख लेता हूं, अगर यहां से मेजर आ जाएगा तो इसका मेजरमेंट के हिसाब से आप जा सकते हैं। ये देखिए कितना है, अराउंड 6.6, यही है। पॉइंट को चेक करें जरा, मैं आपको यहां से मार्क करके दिखाता हूं, यहां से और यहां तक आ गया तो ये अराउंड 6.6 आ रहा है। मैं इसको भी नाप लेता हूं, इसको भी यहां से नाप लेता हूं और यहां तक लेता हूं, कितना है अराउंड? ये आपका अराउंड 6.6, 5 लगा लेते हैं, 5 लगा लेते हैं रफली, चलिए ठीक है ना, इधर ना उधर, 5 नहीं, सेंटर नापना है, सेंटर, राइट? इनका सेंटर जरा चेक करके बताइए, मेरे इसमें मेजरिंग टूल नहीं चल रहा होगा ठीक से, तो आप जरा चेक करके बताइए इसका डिस्टेंस कितना है। ये कैंडल सेम डिस्टेंस में बनेगी यहां पर, तो इनका डिस्टेंस कितना है? यार जल्दी से मेरे को चेक करके बताएं इनका डिस्टेंस कितना है, कि इन दोनों का डिस्टेंस पता लगेगा। ये देखिए, ये आपका आ रहा है अराउंड, मेरी इसमें ठीक से दे नहीं रहा है, आप इसका डिस्टेंस मेजर कर सकते हैं। तो अब मैं रफली लगाता हूं कि मेरे को थोड़ा सा डिस्टेंस बीच में मिल रहा है, तो यहां कहीं बनेगी कैंडल इस जगह पर, तो मैं मार्किंग कर देता हूं, मेरी कैंडल यहां कहीं बनेगी जो अगली वाली बनेगी। राइट, तो इसका मतलब मेरी जो बेस लाइन है वो कल आपको यहां पर अंदर मिलेगी, राइट? अप्रोक्सीमेट, अगर मार्केट यहां पर कल खुलता है, कहीं पर भी ऊपर खुले नीचे खुले कहीं पर भी खुले, लेकिन जो बेस लाइन है वो आपको कल यहां पर अंदर मिलेगी, कल इसकी एंट्री करेगी, या तो कल या परसों। कल अगर नीचे रही तो ओके है, और अगर यहां से ऊपर आ गई तो यहां अंदर घुस जाएगी, मतलब आप इसकी एंट्री कल ले पाएंगे, आज नहीं।
आज की बजाय कल एंट्री लेंगे तो आपको ज्यादा अच्छा होगा। अब चलते हैं आगे और हम देखते हैं कि मार्केट कहां तक आएगा, या तो यहां तक या यहां तक। तो मतलब इधर मैं बाय नहीं करूंगा ना, मेरी यहां पर बाय उतनी अच्छी नहीं मिलेगी। हो सकता है मार्केट ऊपर भी चला जाए पर बाय आपको उतनी अच्छी नहीं मिल सकती क्योंकि बेसलाइन अभी नीचे है, राइट है। निफ्टी बैंक को भी देख लेते हैं एक बार, निफ्टी बैंक क्या कर रहा है। छोटे छोटे पॉइंट्स हैं जो मैं आपको बताता रहता हूं यहां पर क्लास के अंदर। ये देखें निफ्टी बैंक क्या बाय में आ गया, बताएं जरा इसकी भी हालत वैसी है ना, क्या बोलते हैं। निफ्टी बैंक तो सेल में है और इसने अपनी गैप अप वाली जो वो थी कैंडल उसके 200 जो नीचे भी आया था अभी भी। ये देखिए गैप है, ये इसका गैप है पूरा, इतना गैप है। और बेस लाइन कहां पर है, बेस लाइन देखिए नीचे है, नीचे है वो तो बहुत दूर है। कन्वर्जन लाइन बाहर भी नहीं निकली, अभी नहीं निकली जी। इसका मतलब जो निफ्टी बैंक है, मतलब तब तक निफ्टी भी ऊपर नहीं जाएगा जब तक निफ्टी बैंक की आपकी कैंडल कम से कम क्रॉस ना कर रहा है, करने लगे बेस लाइन। तो आपको इसमें टाइम लगेगा अभी, मतलब बाय आने में थोड़ा सा टाइम लग सकता है आपको, एक या दो दिन को, दो दिन का टाइम आपको ले सकते हैं। तो मेरे ख्याल से आज बाय करना इसके केस में सही नहीं है। आपको बाय कहां से लगानी चाहिए, आपको बाय लगानी चाहिए थोड़ा नीचे से, मतलब आपकी बाय यहां कहीं से आएगी किस जगह से। अगर मैं लेना चाहूंगा तो मेरी बाय मेरे को यहां पर मिलेगी और आप यहां पर अपनी बाय लगा के छोड़ सकते हैं 1700-1300 के आसपास कहीं पर, राइट। चलिए अब चलते हैं स्टॉक को देखते हैं, आप लोगों के स्टॉक कौन कौन से हैं। ये मैंने निफ्टी और बैंक निफ्टी बताया, एक मैंने आपको एचडीएफसी लाइफ बोला था, एचडीएफसी लाइफ, राइट। इसको जरा एक बार चेक कर ले यहां पर, ये मार्केट देखिए मैं भी इकट्ठे करते जा रहा हूं आपके साथ में, देखिए कर रहा हूं, ये देखिए मैं इकट्ठे करते जा रहा हूं यहां पर। ये क्वांटिटी है अराउंड 5 पॉइंट डाउन में चल रहा है और मैं अगला वाला बाय कहां पर लगाऊंगा, मेरा अगला वाला बाय मेरे को मिलना चाहिए कहां पर बताएं, यहां पर, राइट। चेक करिए मैं कहां पर लगा रहा हूं, मैं और पास में करके दिखा देता हूं। देखिए मैं कहां पर अपना बाय लगा रहा हूं, यहां पर, राइट। और मेरे लिए और अच्छा क्या होगा, मैं बेस लाइन पर लगाऊं, राइट जी। यहां से कुछ क्वांटिटी और बाय करते और मैंने बाय लगा दिया, लग गया देखिए बाय नीचे। चेक करिए मैं डायरेक्टली नहीं ले रहा हूं कहां से मेरे को बाय करना है, मेरे को पता है मेरी पोजीशन कहां पर है, मेरी पोजीशन यहां पर होगी बाय की, तो मैं यहां पर कुछ क्वांटिटी बाय करूंगा। अगर मार्केट नीचे आएगा, आज मार्केट के थोड़ा नीचे आने के चांस है, तो अगर मार्केट नीचे आएगा तो या तो यहां तक आएगा, हो सकता है यहां पर वीक मार के ऊपर जाए। तो मैं सबसे वर्स्ट केस लेता हूं, कौन सा केस, वर्स्ट केस, सबसे खराब केस, सबसे खराब केस कौन सा है। यस, पहला खराब केस कि मार्केट कन्वर्जन लाइन तक आएगा और ज्यादा कितना गिरेगा, बेस लाइन तक आएगा, राइट। तो मैं बेस लाइन का अपना बाय लगाता हूं, वो मिलने सबसे अच्छा है। यहां पर चेक कीजिए, अगर मैं घंटे भर में देखता हूं तो घंटे भर में कल हमने क्लास में भी डिसाइड किया था कि मार्केट थोड़ा सा नीचे आ सकता है और कहां तक है, कम से कम क्लाउड तक का एक डाउन ले सकता है छोटा, या एन वेव तक का डाउन ले सकता है यहां तक। तो मैं अभी यहां पर बाय नहीं करूंगा इसको, मैं नीचे कहीं पर बाय करूंगा, राइट। और बताइए स्टॉक आप लोगों का कोई हो तो। एक मिनट वीरेश भाई, इसमें एचडीएफसी लाइफ में डेली उसमें कैंडल में तो ये जो काफी नीचे है क्लाउड से, और दोनों जो है लाइनें भी काफी जो दूर है इसमें क्लाउड से, तो रूल के उससे तो इसके ऊपर भाई भाई। हाँ अभी 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 एक्चुअली हाँ तुषार जी, असल में अभी हमने क्लाउड नहीं करे क्लास में जी, राइट। और ये जब क्लास में करेंगे तो ये 4 नंबर की बाय बनती है, बाकी सब लोग बताएं यस और नो, कौन से नंबर की बाय आएगी। 4 नंबर की बाय सर, कन्वर्जन लाइन भी उसके कैंडल के पास है। ये देखिए 4 नंबर की जब हम तुषार जी जब करेंगे ना, हम क्लाउड करेंगे जी। तो हमारे पास वहां पर सेलिंग, ये देखो पूरा सेल है, सेलिंग जोन में एक बाय बनती है, सेलिंग जोन में एक बाय बनती है, इसको हम 4 नंबर की बाय बोलते हैं, राइट। इसको आप कैसे उठाते हैं अभी क्लास में हम इसको करेंगे, इसको कैसे उठानी है, तो आप इसकी रूल के मुताबिक तो इसके ऊपर ही बाय है, राइट जी। लेकिन हमारा केस क्या है, हमारा केस क्या है कि अगर एक घंटे में आपको क्लाउड के ऊपर जा रहा है तो एक दिन में कहीं पर तो होगा ना वो जी जी। और अगर एक दिन में क्लाउड के ऊपर जा रहा है तो एक वीक में कहीं पर तो होगा ना वो जी। तो हम इन पोजिशन को जज करते हैं तीनों को,
राइट इस समय देखिए जब मार्केट क्लाउड के ऊपर निकला होगा, इसको चेक कर लीजिए, देखिए मार्केट क्लाउड के ऊपर है ना जी, जब मार्केट क्लाउड के ऊपर निकला होगा एक घंटे में, तो एक दिन की क्या पोजीशन रही होगी, कहीं तो रही होगी जी। तो हम उस पोजीशन को जजमेंट करके तब थोड़ा सा काम कर लेते हैं। ये देखिए ये पॉइंट है, मैं इसको मार्क करके दिखा देता हूँ एक मिनट आपको, रेड कलर। ये देखिए यहां पर मैंने किया, और अगर मैं इसको दिन में जाके देखता हूं तो देखिए पोजीशन कौन सी है मेरी, यहां कहीं जब मार्केट कन्वर्जन लाइन के ऊपर आया था राइट जी, तब से मेरी बाय शुरू हो गई थी। इस पॉइंट को हम करेंगे जब हम क्लास में क्लाउड पर आएंगे तब हम इस पॉइंट को करेंगे, लेकिन फिलहाल आप यहां से अपनी बाय रख सकते राइट। और मैं कहां पर रखूंगा इसको बाय, लेकिन मैं यहां पर इस जगह पर कहीं पर बाय करूंगा, इसको नीचे ऊपर में बाय करने के मूड में नहीं हूं बिल्कुल ठीक है। चलिए और बताए कोई स्टॉक आप लोगों का हो तो? नहीं है सर, बायोकॉन। बायोकॉन चलिए काफी दिनों से बायोकॉन, बैंक ऑफ बड़ौदा सर, बैंक ऑफ बड़ौदा। चलिए पहले बायोकॉन देख लेते हैं, बायोकॉन देख लेते हैं बायोकॉन क्या कर रहा है, और उसके बाद बीओबी भी देख लेते हैं। ये देखिए बायोकॉन, अच्छा चलिए एक चीज जजमेंट करते हैं अब, क्योंकि हमने क्लाउड करे हुए हैं कई लोगों ने मेरे साथ, तो अब देखो बायोकॉन एक अच्छी जगह पर है, बायोकॉन को आप बाय करके रख सकते हो। देखो मैं 25 क्वांटिटी इसकी बाय करके रख लेता हूं यहां पर, लॉन्ग टर्म के लिए रख लेते हैं, ये मैंने रख लिया राइट। आप बोलेंगे सर क्यों, आपने तो देखा भी नहीं फट से बाय कर लिया, ऐसा क्यों, कौन बताएगा? चीकुस्पान प्राइस के पास आ गया, कन्वर्जन लाइन के ऊपर है मार्केट जो है। देखो इस समय डब्ल्यू पैटर्न बना रहा है सर, अगर उसका हाई तो डब्ल्यू पैटर्न हो जाएगा। अब यहाँ पर जरा चेक करो यहाँ पर हुआ क्या है, तीन चीजें हैं, मैंने यहाँ पर ज्यादा सोचा नहीं है, मैंने ले लिया है, मार्केट थोड़ा नीचे भी आ सकता है पर तब भी मैं इसको रखूंगा राइट। अब जरा चेक करिए क्यों, रीजन क्या है, मार्केट कन्वर्जन लाइन के ऊपर चला वन डे में राइट, पहली पार्ट। दूसरी बात, मार्केट ने अपना एक हाई ब्रेक कर रहा है राइट, दूसरा पार्ट। तीसरा पार्ट, मार्केट की जो चीको स्पैन है क्लाउड की, वो देखो आपका कैंडल को क्रॉस करने के लिए रेडी है राइट। अगर ये कैंडल को क्रॉस करेगी तो कम से कम मेरे को यहां तक का टारगेट मिल जाएगा, पहला कन्वर्जन लाइन तक का टारगेट मेरे को मिल सकता है, तो मैं इसको ऐसे चेक करूंगा, यहां का मतलब आपका ये बेस लाइन तक का राइट हो सकता है, तो क्या मैं अपना एक टारगेट बेस लाइन तक रख लूं? देखिए जरा बेस लाइन तक कितना टारगेट आता है बताएं जरा, ये टारगेट आ रहा है 356 अराउंड, तो क्या मैं अपने टारगेट को 356 पर लगा दूं? यहां पर देखिए मैंने कुछ नहीं खाली पड़ा है मेरा ये पूरा ठीक है, मैं इसको एग्जिट करूंगा लिमिट पर 356 पर, डन कर देते, डन कर दिया, चलने दीजिए इसको। लेकिन देखो ये जो आपको ये प्राइस मिलेगा ना, जो आप अगर सोचोगे तो ऐसा नहीं कि ये प्राइस आपको अभी का अभी प्रॉफिट देके चला जाएगा, सब कुछ हो जाएगा, ये आपको थोड़ा टाइम लेगा, क्योंकि निफ्टी बैंक निफ्टी थोड़े से डाउन की तरफ चल रहे हैं, तो ये टाइम लेगा आपको, हो सकता है शाम तक ऊपर जाए, बहुत धीरे धीरे ऊपर जाएगा ये, तो एकदम से जल्दीबाजी मत करना। इसीलिए मैंने इसको किस में रखे हैं आप बताएं, मैंने इसको नॉर्मल में रखे हैं सीएनसी में राइट, मैंने इसे इंट्राडे में नहीं रखा, मैंने इसे सीएनसी में रखा, मेरे को पता है ये ऊपर तक जाएगा और सीएनसी में ही जाएगा, शायद एक दो दिन ले सकता है ऊपर जाने में। एक घंटे में क्या हो रहा होगा जरा बताएं, इस समय बगैर देखे बताएं, एक घंटे में क्या हो रहा होगा, क्लाउड के ऊपर होगा नीचे होगा? ये क्लाउड के आसपास ऊपर होगा, ऊपर होगा, क्लाउड के ऊपर इस समय ट्रेड कर रहा होगा, थोड़ा ऊपर ही होगा, क्लाउड के थोड़ा ऊपर ही होगा, ये देखिए राइट। अब जरा मेरे को यहाँ पर एक छोटा सा पार्ट बताएं कि कन्वर्जन बेस लाइन बाहर निकली ही नहीं निकली? यस सर, कन्वर्जन लाइन बाहर है, मार्केट कन्वर्जन लाइन के ऊपर है राइट। इस समय कौन सा ये बन रहा है, सिम्टम किसके हैं, बाय के ना अभी मार्केट को रखे रहने दीजिए, इसको छोड़ना पड़ेगा आपको मार्केट को। दूसरा, मार्केट अगर नीचे आएगा तो कन्वर्जन लाइन या बेस लाइन तक नीचे आ सकता है, मतलब मेरे को कहां पर एवरेज करना चाहिए, बेस लाइन पर ना, कहां पर बताएं, कौन सी जगह एवरेज करेंगे, यहां 343 पर। इसका मतलब मेरे को बाय लगानी चाहिए, या ऐसे नहीं इसको यहीं से लगा लेते, यहां से बाय में लगाऊंगा यहां पर नीचे देखिए, और मैंने अराउंड 10 क्वांटिटी यहां पर बाय करने के लिए छोड़ दी, देखिए छोड़ दिए सर, ये छोड़ दिया मैंने
चल रहा है, चलने दीजिए आराम से इसको। यस, और कौन सा बता रहे थे? बैंक ऑफ बड़ौदा। तो इसको आपको रखना पड़ेगा, इसको देखिए अगर मैं बोलता हूँ तो इसको आपको रखना पड़ेगा प्रोटोटाइप, और हो सकता है ये एक या दो दिन के अंदर। यस, ये पॉसिबल है कि एक या दो दिन के अंदर आपको सीधा ही बेस लाइन के ऊपर मिले। बहुत ज्यादा पॉसिबिलिटी है कि मार्केट बेस लाइन के ऊपर आपको किसी भी दिन एक दो दिन के अंदर मिल जाए यहाँ पर। तो हम यहाँ से भी एक काम करते हैं, इसको यहाँ से भी हटा देते हैं और मैं इसको यहाँ नहीं लगा देता, थोड़ा और ऊपर। कितने पर आ रहा है मेरा टारगेट? मेरा टारगेट आ रहा है अराउंड 360 के आसपास। ठीक है, राइट। चलिए आप चलते हैं बैंक ऑफ बड़ौदा पे। बैंक बड़ौदा, जरा इसको बैंक बड़ौदा को मेरे को बताइए, बैंक बड़ौदा क्या कर रहा है आप लोग बताएं प्लीज, क्या देखने को मिल रहा है? सर बाय साइड में डबल टॉप बना रहा है, डबल टॉप बना रहा है, डबल टॉप बना रहा है और बाय साइड में है। और देखो कन्वर्जन लाइन बाहर निकल रखी है और बेस लाइन निकलने वाली है, राइट। लेकिन आपकी इंटेलिजेंस क्या बोलती है? आपकी इंटेलिजेंस बोलती है कि आप इसे जरा सा वेट कर ले, और वेट कहां तक करें? इसे जरा सा नीचे आने दें। क्यों भाई? आप एक बार बताइए, आप दुकान में जाते हैं, बहुत अच्छी दुकान होती है, तब भी आप ये सोचते हैं ना कि मेरे को सबसे कम प्राइस पे वो चीज मिल जाए? यस और नो? क्यों, कुछ आप करते हैं ऐसे कि नहीं करते? जी जी नहीं, इसमें इस वाले केस में ये जो है, अगर ऊपर का वो देने लगे, वहां पर जो ब्रेकआउट देने लगे टॉप का, तब भी खरीद लो, तो बाय हो जाएगी अच्छी, तब भी बाय कर लो। ब्रेकआउट हो तो बाय कर लो, लेकिन अगर ब्रेकआउट नहीं हो रहा तो मैं यहाँ बाय नहीं करूंगा ना। नहीं नहीं, ये तो बीच में खड़ा, तब तो मैं कन्वर्जन लाइन या बेस लाइन पर बाय करूंगा, या तो अपना हाई ब्रेक कर दे तब मेरा बाय है, या फिर नीचे आ जाए तो मेरे पास बाय है। लेकिन अगर मार्केट को मैं यहाँ पर बाय करता हूँ ऊपर, मेरे लिए बाय तो अच्छा है मेरे को, लेकिन हायर प्राइस पे मिलेगा ना जी, क्लियर है? और अगर मेरे को मार्केट ऊपर नहीं जा रहा है और मार्केट नीचे आ गया, तो यहाँ पर मेरे को चीपर प्राइस पर मिलेगा ना जी। बीच में जो देखिए, ये आप जरा यहाँ पर कंडीशन, चलिए आज कंडीशन चेक करते हैं, मार्केट कर क्या सकता है, कर क्या सकता है। देखो मार्केट क्या कर सकता है कि मार्केट सीधा ब्रेकआउट करके ऊपर निकल सकता है, नंबर एक, राइट। या फिर मार्केट नीचे आएगा और कन्वर्जन लाइन को टच करके वापस जा सकता है, दूसरा केस। अब तीसरा केस, ये मार्केट कन्वर्जन लाइन से नीचे आएगा, यहां पर एन वेव है, ये रिया, यहां से मार्केट पूरी कैंडल को बैक कर लेगा, हो सकता है यहां तक आए, कैंडल को पूरा बैक कर ले और इसके ऊपर ग्रीन कर दे, पॉसिबल है? सर एन वेव पे ना सीपीआर है इसका, सीपीआर है बिल्कुल, वो भी चेक कर लेते हैं। अगर एनवे पर सीपीआर है तो आपने उसका याद दिलाया, उसी को चेक कर लेते हैं। ये देखिए एनवे पर ही सीपीआर आ रहा है। तो मार्केट क्या कर सकता है? ऐसा पॉसिबल हो सकता है कि मार्केट यहां तक आए और कैंडल को बैक करे और यहीं से बाय ले जाए। आप मेरे को ये बताएं, गलती से अगर आपको ऐसा केस मिल गया, ऐसा केस कि आपका मार्केट नीचे तक आया और बैक किया और यहां से ग्रीन चलने लगा, तो आप क्या बाय छोड़ेंगे? पॉइंट समझे? ये जो रिट्रेसमेंट होते हैं ना, ये मतलब क्या बोलते हैं इसे, मतलब जैकपॉट होते हैं, जैकपॉट। कहां से रिट्रेसमेंट? अब देखो आपको एक चीज दिखाता हूं मैं आपको, ये पास में, और जरा इस चीज को समझने की कोशिश करना, ये दिख रहा है आपको? जब मार्केट नीचे आया होगा, नीचे आया होगा, रिट्रेस करके आपका सीपीआर के ऊपर ग्रीन बनाया होगा, तो जिसको पता होगा वो कभी नहीं छोड़ता, ले जाता ना पॉइंट सारे जी। नहीं समझे? सेम केस, मार्केट अगर आपकी देखो, एक कन्वर्ट, देखो एक कन्वर्जन, दो सपोर्ट मिले थे इसे, सीपीआर का भी और कन्वर्जन लाइन का भी, मिले थे कि नहीं बताए? तो ऐसी जगह पर छोड़ने का कोई मतलब नहीं है। और देखे, ये देखो, जब मार्केट दोनों लाइन के ऊपर आता है, दोनों लाइन के ऊपर आता है, देखो नीचे आ रहा था और एकदम से बैक मार गया, ये पोजिशन बहुत अच्छी होती है बाय की, यहां पर आप आराम से बाय करके रख सकते हैं। तो बैंक बड़ौदा को अगर आप बाय करना चाहते हैं, तो इसको बाय करने की सबसे अच्छी जगह क्या है? या तो ये हाई ब्रेक कर जाए, और या फिर यहां तो बाय मत करना इसको, तो अपने ऑर्डर ऐसी जगह पर आप ऑर्डर लगा के छोड़ दें, पता है क्या है? मतलब ऐसी जगह पर आप बिल्कुल आंख बंद करके कुछ ऑर्डर लगा दें, और कहां पर लगा दें? अब क्वेश्चन आपके पास ये है कि आप बेस कन्वर्जन लाइन पर ऑर्डर लगाएंगे, या एन वेव पर ऑर्डर लगाएंगे, या बेस लाइन पर लगाएंगे, कहां लगाएंगे? ऑर्डर स्प्लिट कर सकते हैं,
हाँ ऑर्डर बीट कर सकते हैं, तो कहाँ पर कहाँ लगाऊं मैं? एन वेव के पास, एन वेव के पास, राइट। अब देखो मैं थर्ड वाला मतलब बेसलाइन के पास में क्यों मना करूंगा? बेसलाइन अच्छा है लेकिन मार्केट अपने सीपीआर के अंदर घुस जाएगा ना, हो सकता है नीचे इसके चल सकता है या कोई इशू कर सकता है मार्केट यहाँ पर। तो मार्केट में मेरे को बाय, अगर बाय में रहना है मार्केट को तो यहीं से ही वापस जाएगा। तो बैंक बड़ौदा को मेरे को कहां पर बाय लगाना चाहिए? मैं यहाँ पर बाय लगा देता हूँ, मेरा बैंक बड़ौदा यहाँ कहीं बाय लगना चाहिए इस जगह पर। और अच्छा है कि मैं इसे पिवोट के आसपास थोड़ा नीचे कर देता हूँ, और थोड़ा सा नीचे, राइट। मिल जाएगा तो मेरे लिए अच्छा होगा, मिल जाएगा तो मेरे लिए अच्छा होगा। देखिए लगा दिया, लगा के छोड़ दिया, देख लेते कितना नुकसान फायदा है चौका है। देखिए हमने बायोपन लेके रखा हुआ है, यहीं पर घूम रहा है क्योंकि इसका मोमेंट बहुत ज्यादा नहीं है। ध्यान रखिएगा इसका मोमेंट बहुत ज्यादा नहीं है कि मैं बोलूं कि ये देखिए एसडीआईएल में इकट्ठे करते जा रहा हूं, ये देखिए, राइट। लेकिन एसडीआईएल का मैंने आपको तरीका क्या बताया था? यस बताएं, एसडीआईएल का तरीका मैंने क्या बताया था आपको? जो आपको प्रॉफिट होता रहे, जो प्रॉफिट आपको होता रहे उसमें से आप अपने स्टॉक को खरीदे, पहली स्टॉक, राइट। देखो मैं इसको बढ़ाता जा रहा हूं, इसको देखो मैं एवरेज कर सकता था ना एचडीएफसी लाइफ को, मैं एचडीएफसी लाइफ को एवरेज नहीं कर रहा हूं क्योंकि मेरे को नीचे चाहिए। वो अपनी कंडीशन हमेशा डिफाइन करके रखें कि आपको कहां पर चाहिए। बैंक बड़ौदा मेरे को यहां चाहिए, समझे? बैंक बड़ौदा मेरे को यहां कहीं चाहिए, मैं यही बाय करूंगा, या फिर इसको ब्रेक करेगा तो मैं बाय करूंगा। दो ही कंडीशन है मेरी, डन। तीसरी कंडीशन मेरी नहीं है। आप चाहे तो इसके ऊपर भी लगा सकते हो अपना ऑर्डर, कोई ऊपर जाएगा तो बाय ले सकते हो, राइट। और बताएं कोई स्टॉक? बैंक सर, एचडीएफसी बैंक। मैं ये सारा देखिए जितना मैं आपको दिखाता हूँ इसलिए दिखाता हूँ कि आप लोग सीख पाए। देखिए एचडीएफसी बैंक अपनी जगह पर आया या नहीं आया बताएं, यस बताएं, क्या आ रहा है? जरा पॉइंट को चेक करें, ये देखिए यहां पर क्या दिखा आपको, ये आपका ग्रीन है और ये आपका कन्वर्जन बेसलाइन, दोनों बाहर है, वनडे में सीपीआर के ऊपर है, क्लाउड के ऊपर है। आपको कहां से बाय मिलनी चाहिए बता दें, जल्दी बोले कहां से बाय लेंगे? बेसलाइन से या कन्वर्जन लाइन से? या तो कन्वर्जन लाइन या बेस लाइन से मेरे को बाय मिलनी है, और दोनों में से अच्छा कौन सा है अब ये भी बता दें, दोनों में से अच्छा कौन सा है? बेस लाइन है सर, एनवेव का सपोर्ट मिल जाएगा, एनवेव का सपोर्ट है ना बेस लाइन का। इसका मतलब देखो मैं यहां से लगा लगा आज से मैं आपको देखो लगा लगा के छोड़ रहा हूं, ये देखिए सारे, राइट, ऑर्डर्स लगा लगा के छोड़ रहा हूं मैं आपको दिखा रहा हूं कि ऑर्डर्स कैसे देखो लगाए जाते हैं। मैंने यहां पर लगा के छोड़ा, देखो मैं ऊपर नहीं ले रहा हूं, यहां से भी मेरे को बाय मिल सकता है, मार्केट हो सकता है यहीं से ऊपर चले जाए। लेकिन सबसे अच्छी कंडीशन मेरी कौन सी है? मेरी यहां है ना। आप जरा ऐसे सोचें, यहां पर दो दो मिथ है, पहला दो थॉट है। पहला थॉट ये है कि अगर आप बोलते हैं सर हम यहां से लगाएंगे और मार्केट यहीं से ऊपर चला गया तो, राइट, मार्केट तो यहीं से ऊपर चला जाएगा तो हमें मिलेगा भी नहीं और फायदा भी कुछ नहीं होगा। लेकिन मेरे को एक चीज बताएं, अगर आपने यहां पर अपनी बाय लगाई है और मार्केट यहीं से ऊपर चला गया तो आपको कोई नुकसान हुआ क्या बताएं? कुछ क्यों नहीं, सर रख लें सर के नीचे एवरेज। नहीं 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 नहीं, एक मिनट, मैंने आपसे ये बोला कि अगर मैंने यहां पर बाय के लिए ऑर्डर लगाया था और मार्केट आया ही नहीं, मार्केट यहीं से ही ऊपर शूट कर गया तो आपको नुकसान हुआ क्या? नो सर, नहीं। आपको केवल एक मेंटली नुकसान होगा कि आपके दिमाग में आएगा काश मैं ऊपर से बाय कर लेता तो ये पॉइंट मेरे को मिल जाते। मगर आप यहाँ इसका ठीक उल्टा सोचिए, यस, आप यहाँ पर जरा ठीक उल्टा सोचिए, अगर आपने यहाँ पर बाय कर लिया होता और मार्केट यहाँ आता तो सर दिमाग में टेंशन रहता शुरू हो जाता। इसीलिए मैंने क्या किया, मैंने वर्स्ट केस में बाय लगाई, मेरी वर्स्ट केस बाय ये है सर। इसको वन आवर में लगाएंगे तो नीचे की बाय आती है, वन आवर में ये नीचे आ रहा है सर, ये 20 मूविंग एवरेज, वन आवर में लगाएंगे। यस, अगर एक बात समझे, मार्केट वन डे के अंदर रिट्रेस कर रहा है ना, ये बताएं, अगर मैं इसमें से क्लाउड हटा दूं, मैं सारी चीजें हटा दूं तो बताएं मार्केट क्या कर रहा है, बताएं इस जगह पर देख के बताएं मार्केट कर क्या रहा है, गैप भरने आया, गैप भरने आया। और देखो
बैठा तो सपोर्ट पे ही है, बैठा है सपोर्ट पे ही ना, मगर यहाँ पर एक डर है, और वो डर क्या है कि अगर मार्केट ने इसके नीचे आ गया तो ये गैप कवर करने आ जाएगा ना, यस और नो आएगा। देखो ये इसका यहां से चेक कीजिए, इसका मिडिलेटरी गैप है, मिडिलेटरी गैप है मतलब भरने जरूर आएगा ये, और भरने आएगा तो आपको कहां से बाय करनी चाहिए, रूल के अकॉर्डिंग नीचे से एंड वेव के पास से, इसलिए मैंने यहां ना लगा के यहां बाय लगाया हुआ है, और आपको पता नहीं लगेगा मार्केट एकदम से ब्रेक करने की कोशिश करेगा, मैं दिखा देता हूं आपको थोड़ा पास जाके, ये देखिए घंटे भर में क्या कर रहे हैं मार्केट, जरा बताए क्या दिख रहा है, तोड़ने की कोशिश कर रहा है इस कैंडल ने, देखो इस कैंडल ने इसका लो ब्रेक कर चुकी है राइट, यस सर, अब ये नीचे की तरफ चल रहा है, और इसका मतलब बहुत ज्यादा चांस है कि यहां तक आएगा इस जगह तक, तो मैंने नीचे बाय लगा के छोड़ दिया है राइट है, और बताए तो अभी बाय मत करना प्लीज इसे, और इसे थोड़ा सा रुक के बाय करना अभी नहीं, या तो नीचे से बाय कर लेना तब भी ओके है, या देखिए हाँ जी टाटा स्टील बताते सर, पावर देखिए ना सर बाय में है, एक मिनट टाटा, चलो पावर ही देख लेता हूँ पहले मैं, एक ही दोनों टाटा पावर, एक मिनट इसको मैं देख लेता हूँ। अच्छा एक एक चीज बताइए, सेम केस सबसे सारा कुछ सेम, आप बताइए मार्केट अपनी कन्वर्जन लाइन पर आया था या नहीं, ये सारा सब कुछ सेम था ना, ग्रीन क्लाउड देखो आपकी बेस लाइन, यहां से जरा समझे, जब तक मार्केट ये नीचे था, जब तक मार्केट नीचे था तो मार्केट साइडवेज था कि नहीं था, साइडवेज रहा, और जैसे ही ये इसके ऊपर चला होगा देखो मार्केट में शूट कर दिया, कर लिया, तो ऐसी जगह पर आपने हाई के ऊपर मार्क करके रख सकते हैं, इसके ऊपर बाय करें। अब केस मेरे पास दूसरा आ गया यहाँ पर कि मार्केट ने चार पांच बड़ी बड़ी कैंडल बना दी है राइट, क्या मैं यहां से बाय कर लूं, नहीं यस बाय नहीं होगा, रिट्रेस होगा, क्यों नहीं होगा, बाय करना पड़ेगा, यस अब बाय क्यों नहीं करेंगे बताए, तो काफी ऊपर जा चुका है पहले से, थोड़ा सा रिट्रेस ही है ना, हमें अब हमें रिट्रेसमेंट चाहिए इसे कन्वर्जन लाइन तक दोबारा, या तो आप पहले से पकड़ लेते, लेकिन अब अगर आपको रिट्रेस करना है, इसको चेक करना है, तो आपको कम से कम कन्वर्जन लाइन तक आने देना चाहिए इसे, तब आपको दोबारा से अच्छा एग्जिट करना चाहिए क्या सर, इस लेवल पे नहीं 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 एग्जिट मत करें, देखो देखो ये हमारा कंसेप्ट गलत है, देखो आपके मार्केट मैंने दो चीजें, पहली बात तो आपको बाय कब लेना चाहिए, और दूसरी बात आपको होल्डिंग में रखना चाहिए या नहीं रखना चाहिए राइट, पहला हमने डिस्कस किया बाय, आपकी बाय कब बनती थी कन्वर्जन लाइन के पास में राइट, होल्डिंग की बात नहीं कर रहा हूं मैं बात कर रहा हूं बाय कब, तो यहां से अगर बाय करते तो अच्छा शूट मिलता ना आपको, लेकिन अब मार्केट ऊपर निकल चुका मतलब मेरी बाय निकल चुकी है, लेकिन होल्डिंग तो वही की वही है ना, समझे, मार्केट अगर नीचे आएगा, मार्केट नीचे आएगा आप चाहो तो एक काम कर सकते हो कि भाई इसमें बुकिंग कर सकते हो कुछ, सपोज 100 सर सर मुझे बताए सर, मेरे पास 30 स्टॉक है, 25% प्रॉफिट है, 285 में लिए मैंने, स्क्रीन जाम हो गई है मुझे लगता है, नेट की जो प्रॉब्लम आ गई, फ्रीज हो गया, हाँ फ्रीज हो रहा है, वाईफाई भाग गई है, हेलो हेलो, हाँ सर, हेलो जी, हाँ जी, अब आई, अब आई, स्क्रीन तो फ्रीज है सर,
हेलो, हाँ जी आवाज आ रही है? सर, यस, कनेक्टिविटी चली गई थी। अच्छा चलिए आगे चलते। अच्छा तो मैंने क्या बोला, देखिए आपको कि जो होल्डिंग है, होल्डिंग के केस में आप इसमें बने रहिए, और यहाँ पर कितनी क्वांटिटी इसमें से निकाली है, 75, राइट। देखो आपको पार्टली बुक करते चलते हैं, मार्केट जरा सा ऊपर गया है, यहाँ पर आपके पास 100 क्वांटिटी, ध्यान से सुनिए मैं क्या बोल रहा हूँ, आपके पास यहाँ पर 100 क्वांटिटी आपने बाय कर रखी थी। जैसे ही मार्केट यहाँ से रिट्रेस करेगा, आपको लगता है मार्केट यहाँ से बैक चलने लगा है, तो यहाँ पर कितनी क्वांटिटी आप निकालेंगे इसमें से, 75, राइट। निकाल दीजिए, बिना सोचे हुए आप 75 क्वांटिटी निकाल दीजिए। मार्केट जैसे ही नीचे आए, तो यहां पर कितनी क्वांटिटी बाय करनी है आपने, 25, राइट। आपको पता है मार्केट बाय में है, तो थोड़ा सा और नीचे आएगा तो फिर मैं 25 करूंगा, और फिर नीचे आएगा सही पोजीशन पर मैं फिर 25 करूंगा। मार्केट ऊपर चलेगा, फिर यहां पर गया ऊपर की तरफ, मार्केट आपको फिर से यहां पर टोटल कितनी होगी, दोबारा से 100, और आप प्रॉफिट बुक कर चुके हैं, यहां पर आपको फिर से 75 निकाल दीजिए, राइट। फिर से मार्केट नीचे आए, सेम 25 25 25, फिर मार्केट यहां से ऊपर चलता है, फिर से यहां से 75 निकाल दीजिए, राइट। तो ये आप प्रॉफिट बुक करते हुए चलेंगे, और जब मार्केट रिट्रेस करके आएगा तो सबसे पहले आपका जो प्रॉफिट है वो खत्म करेगा, नुकसान तो नहीं करेगा ना एकदम से मार्केट आपको, यस सर, राइट। और हमारी दिक्कत क्या होती है कि मार्केट जैसे ही रिट्रेस करता है, हम सोचते हैं यहां से देखो यहां पर कितनी क्वांटिटी बची थी, 25 सारी निकाल दी थी आपने, और आप यहां पर गलती क्या करते हो, यहां पर खरीदते हो सीधा 75, राइट। आप मेरे को ये बताइए, अगर अगर 30 क्वांटिटी में से 20 निकालिए इसमें से, राइट, 10 छोड़ दीजिए, 30 में से 20 निकालिए और 10 छोड़ दीजिए वहां पर, क्योंकि आपको 10 से भी तो फायदा मिल जाएगा ऊपर, नहीं मिलेगा। आप जरा एक पॉइंट समझे, मैं आपको बोल रहा हूं मार्केट अगर रिट्रेस करता है तो हम यहां पर 75 क्वांटिटी बाय करते हैं, 25 मेरी बची हुई थी, तो 75 जो निकाल दी थी वो मैंने 75 क्वांटिटी यहां पर बाय कर ली। आप मेरे को बताएं, मैं तो ये सोच रहा हूं मार्केट ऊपर चलेगा तो मेरे 100 हो जाएंगे, मेरे को फायदा देंगे, लेकिन अगर मार्केट नीचे आया तो क्यों, क्यों तो चाहिए, मार्केट नीचे आ गया तो अब आपकी फिर से 100 हो चुकी ना, तो मार्केट आपको नुकसान डालेगा कि नहीं डालेगा? नहीं, नीचे आएगा तो खरीद लेंगे थोड़ा सा और, जब तो क्लाउड के ऊपर है। उससे अच्छा आप 75 यहाँ पर मत खरीदो, यहाँ पर आप 25 से शुरू करो, राइट। खरीदने तो आपको 75 ही है, थोड़ा नीचे मार्केट आ जाए फिर 25, थोड़ा नीचे मार्केट आ जाए फिर 25, वो तो पूरे 100 ही गए ना आपके पास अभी जी, जी। लेकिन आपकी एवरेजिंग अच्छी हो जाएगी कि नहीं जी, क्लियर है, वहां पर एवरेजिंग आपको अच्छी मिल जाएगी तो आपको फायदा हो सकता है, राइट है। चलिए, और इसको एक मिनट में आगे भी देख लेता हूं, एक मिनट, ये देखिए कितना प्यारा बाय था आपके पास, नहीं मैं आपको बुक करने को क्यों बोल रहा हूं, मैं केवल बुक करने के लिए इसे बोल रहा हूं, है तो बाय में, लेकिन आज इसने मतलब इस वीक की बहुत बड़ी कैंडल डाली हुई है, राइट। बड़ी कैंडल का मतलब ये मार्केट यहां तक वापस एक रिट्रेस कर पाएगा, स्पेन भी पास में आ गई है। हाँ जी, तो आप मैं मतलब कहने का मतलब यह है कि आप थोड़ा सा कुछ प्रॉफिट बुक कर ले, मार्केट नीचे आए फिर पकड़ ले, इससे क्या हो जाता है सर, भाई यही देखना एक बार सर, ये रिट्रेस हो नहीं रहा सर, टाटा पावर अडानी दोनों, देखो होंगे होंगे नहीं होंगे, ऐसा नहीं बोल सकते कि होंगे नहीं, होंगे जरूरी है, लेकिन थोड़ा टाइम लेंगे, ठीक है। और ये जो टाटा स्टील है, टाटा स्टील का एक चीज देखिए, टाटा स्टील जो है वो इसकी जो जगह है अभी, ये जगह यहीं कहीं से आस पास से एक बार रिट्रेस करके वापस आ सकता है, जरा इसका ध्यान रखना, टाटा स्टील मतलब जा तो बाय में रहा है, लेकिन जो मेरी अपनी प्रोबेबिलिटी बोलती है वो ये होती है कि ये नीचे आ सकता है किसी भी टाइम, तो थोड़ा ध्यान रखिएगा। एक मिनट, और कौन सा बोल रहे थे आप, SBI, एक मिनट फिर ITG को भी देख लेता हूं मैं। SBIN देखिए अच्छी जगह पे बैठा है, लेकिन SBIN का थोड़ा सा एक गौर करना, हल्का सा दिखा देता हूं मैं आपको, इसे मंथली पे रखिए जरा, मार्केट के अंदर ये इसका एक जोन बना हुआ है, ये वाला रेजिस्टेंस जोन, ठीक है। तो और मार्केट में डिस्टेंस अच्छी है, सब कुछ अच्छा है, बाय है, सब कुछ है। आप देख, अच्छा एक बार बताइए, आपका मंथ में आपको प्यारा बाय था कि नहीं था, ये वाला मैं ये चीज आपको बता रहा था ना,
जी यस, क्यों गरिमा जी डिस्कस किया था अभी हमने या नहीं किया था बताए श्रेया जी, किया था? ये एन वेव है, ये एन वेव इसकी, और हमने बोला था ये एन वेव तक आएगा और बैक मार के वापस जाएगा और यहाँ ग्रीन बनाएगा, राइट? बिल्कुल ऐसे ही किया इसने, तो आपको यहाँ पर बाय बनता था ना एक। अब चलते हैं आगे, अगर मैं इसको वीक में देखने की कोशिश करता हूँ तो मार्केट का एक रेजिस्टेंस जोन है और वो यहाँ पर है, थोड़ा सा ध्यान रखना इसका, राइट? तो मार्केट बहुत ज्यादा ऊपर नहीं जाएगा, यहाँ से एक रिवर्सल कर सकता है किसी भी टाइम पर, तो थोड़ा सा बस ध्यान रखना। अब जरा मेरे को इसे वनडे में बताइए, क्या वनडे में मार्केट बाय में है, यस और नो? नहीं अभी नहीं है, पिछली वाली कन्वर्जन लाइन बाहर नहीं आया, बेस लाइन बहुत नीचे है, नहीं है ना, इसका मतलब इसे बाय अभी करके कोई फायदा नहीं है, इसको आराम से वेट कीजिए, और बाय अगर एक घंटे में बाय आ भी रही है तो ये बाय सस्टेन नहीं करेगी अभी, ये देखिए एक घंटे की बाय मिली कि नहीं मिली, ये बाय सस्टेन नहीं करेगी, अच्छी बाय थी देखिए फिर भी सस्टेन नहीं करेगी, ये नीचे आ जाएगा अभी, तो इसको अभी बाय एकदम से मत करना, थोड़ा सा टाइम दो इसको, राइट है? और बताएं इसका सर जीटीएल इंफ्रा सर देखिए ना सर, ईटीएल जीटीएल इंफ्रा जीटीएल, हाँ जीटीएल इंफ्रा, जीटीएल इंफ्रा, चलिए इसको भी देखते हैं। अच्छा इस पे तो वो लगा हुआ है, बढ़िया स्टॉक है सर, बिल्कुल बढ़िया स्टॉक है, जीटीएल में बिल्कुल काम मत कर लेना भाई, मेरे पास था। चलिए देख लेते हैं, देखो हमारे पास हमें कोई फर्क नहीं पड़ता तुषार जी, हमें तो स्टॉक देखने हैं, राइट? नहीं सर मेरे पास ये 2008 से था और बहुत नीचे निकाला वापसी में, ये नहीं नहीं उस वक्त तो बहुत अच्छा स्टॉक था ये, लेकिन उसके बाद जब इसमें वापसी आनी शुरू हुई ना तो ये सब कुछ खा गया, अब बढ़ेगा लगता है। नहीं नहीं देखो पहली बात तो ये है, देखो पहली बात तो ये है, पहला पार्ट तो ये है, एक ट्रेडर का रूल क्या होता है, ट्रेडर अपने प्रॉफिट लॉस के बेस पर एनालिसिस नहीं करता, राइट? ये बात का ध्यान रखना, जो भी ट्रेडर है अगर एक अच्छा ट्रेडर है तो उसके लिए एनालिसिस इम्पोर्टेंट है, राइट? जी कंपनी चाहे स्टॉक एक रुपए का हो, देखो एक बात देखे ये कितना, एक रुपए 70 पैसे का स्टॉक है, राइट? मैंने आपको ये बोला कि ये एनालिसिस नहीं करूंगा, ये कम का है ज्यादा का है, नहीं बोलता ना मैं कभी, नहीं कभी देखा मेरे को बोलते हुए कभी नहीं, क्योंकि मेरे लिए कोई भी चार्ट एक एनालिसिस का मीडियम है बस, प्रॉफिट लॉस अलग चीज है, खरीदना नहीं खरीदना अलग चीज है, एनालिसिस एक अलग चीज है, तो आपको एनालाइज तो करना ही करना है, उसके बाद आप उसे खरीदे नहीं खरीदे कोई फर्क नहीं पड़ता। डन, आप जरा इसको चेक करते हैं, इसका इसका एक ट्रेंड लाइन बन रही है, जरा इसको चेक करें, इसकी एक ट्रेंड लाइन आ रही है और कौन सी ट्रेंड लाइन है, ये है, राइट? मार्केट इस समय जरा थोड़ा सा और पास करके दिखाता हूं तो समझ में आएगा आपको, ये देखिए क्या दिखा रहा है आपको, ये देखे ये, उसके बाद ये और उसके बाद ये और इसके बाद ये, अभी इसके ऊपर नहीं निकला ना मार्केट। अगर आप इसे खरीदना ही चाहते हैं तो कम से कम इस ट्रेंड लाइन को ब्रेक हो जाने दीजिए, राइट? तब जाके आप सोचे खरीदने की, अगर खरीदना ही है तो ये ठीक है, उससे पहले नहीं, उससे पहले खरीद के आपको कोई फायदा नहीं होगा, इसके ऊपर आप बाय कर लें अगर करना दिल करता है करने का तो, ठीक है? और बताएं स्टॉक, और बताएं आईटीसी तो मैंने बोला था अच्छा भागेगा ये, राइट? और इसे खरीद के रख ले, किसी ने नहीं माना, किसी ने माना ही नहीं, 30,000 रखा उधर, कितने 20,000 30,000 क्या टोटल क्वांटिटी? हाँ जी। और कितने पर खरीदा हुआ है? 212 तो फिर तो पार्टी पार्टी करने घर आ गए कहाँ है सभी भी नहीं नहीं मतलब आप तो देखो ट्रेडर्स को डर नहीं है ना, पार्टी करानी पड़ेगी तो पैसा तो ट्रेडिंग से निकालेंगे। सर आपके साथ रहने के बाद में कॉन्फिडेंस आ जाता है, लॉस भी है ना कवर कर लेते हैं। नहीं देखो ये चीज देखो, इसमें एक ना चैनल बन रहा है आईटीसी में, अगर आप लोगों ने मेरे साथ चैनल करे हैं तो देखो मैं आपको यहाँ पर चैनल बना के दिखाता हूँ, बहुत प्यारा चैनल बन रहा है इसका, ये देख रहे हैं? अगर मैं देखता हूँ बन रहा होगा तो ये देखिए, ये अप्रोक्सीमेट ये चैनल है,
मतलब ये कहां से वापस जाएगा, इसका भी मूव कम से कम यहां तक का है राइट, ये यहां तो पूरा नहीं जाएगा, यहां लगभग लगभग यहां कहीं तक मिलेगा आपको, तो यहां से एक रिवर्सल कर सकता है, तो यहां कहीं पर कोई रिवर्सल मिलेगा आपको डन। तो अभी आराम से चेक करते हैं, थोड़ा सा पास में भी चलता हूं एक मिनट में, अभी जब खोला ही है तो इसको पास में लेके चलता हूं मैं जरा, ये बना लें ऐसी ट्रेन लाइन और इसको हटा लें। अब देखो यहां पर वनडे देखें, और वनडे में मार्केट कर क्या रहा है देखें, क्या दिखा रहा है, इसी जोन में बैठा हुआ है देखिए, अच्छा खासा लो जोन से अच्छा खासा तेजी से ऊपर चला, और मैंने बोला था इसको बाय करके रख ले आईटीसी को तो बहुत अच्छा बाय जाता, और आपकी ट्रेंड लाइन देखिए ये थी राइट जारी थी, ये भी रख सकते थे या फिर ये भी रख सकते थे आप, ये भी ट्रेंड लाइन थी, दोनों में से कोई भी ले लेते। और अब इसका टारगेट क्या है, इसका टारगेट ये रहा ऊपर राइट, और अभी इसको अगर मैं क्लाउड भी लगा लेता हूं तो मेरे को क्लाउड क्या बोलते हैं बताएं, बताएं क्या बोला था इसने क्लाउड ने, जबरदस्त क्लाउड तो बिल्कुल रॉकेट बना हुआ है, देखो रॉकेट बना हुआ था बिल्कुल। और दूसरा क्या और क्या बोला था, रिट्रेसमेंट पर बाय करनी है, देखो रिट्रेसमेंट पर बाय यहां पर, तो अब आप केस क्या आ गया, अब केस आ गया आपका निफ्टी 50 का, निफ्टी 50 फिर से एक अच्छी जगह पर आने वाला है, देखिए चल रहा है भी डाउन पर ही, आप इसे बाय मत करें अभी, अभी बाय करके सेल करके, सेल तो होना ही नहीं, सेल तो गलती से भी नहीं करना समझिए, सेल तो गलती से भी नहीं करना, लेकिन बाय भी कब करनी है, कन्वर्जन लाइन या क्लाउड पर, दोनों में से एक जगह बाय करेंगे राइट, जबरदस्ती बाय नहीं करनी हमें। यस और बताएं स्टॉक कोई किसी का हो तो, चलिए एक काम करते हैं, एक एक स्टॉक यहां से पकड़ते हैं जो आज ऊपर जा रहे हैं, ऊपर के दो, हाँ जी हाँ जी, मवाना शुगर, ये गन्ने कब कटते हैं, गन्ने की कटाई कब होती है, तुषार जी बताएंगे गन्ने की कटाई कब होती है, हो वैसे तो हो चुकी है गन्ने की कटाई, अब तो गेहूं की आएगी, अच्छा नहीं अप्रैल मई में, हाँ नहीं नहीं एक्चुअली मैं शुगर की बात ये कर रहा हूँ, क्योंकि शुगर फैक्ट्रीज जो होती है शुगर की शुरुआत में, सर्दियों की शुरुआत में, हाँ तो मतलब ये मेरे को एग्जैक्टली पता नहीं है, तो मैं ये पूछना चाह रहा हूँ जो गन्ना होता है ठीक है, शुगर केन होता है ये आपके पास, जो गन्ना होता है ये कब कब कटाई होती है उस टाइम पर फैक्ट्रीज, अब मैं नहीं कटाई कब होती है, कटाई कब होती है, कटाई तब होगी पहले अप्रैल के बाद होगी बुआई, उसके बाद छह महीने बाद होगी कटाई, यानी कि सर्दियों की शुरुआत में, तो शुगर सर्दियों के शुरुआत में होगी राइट, चलो मैंने मान लिया कि सपोज दिसंबर लगा लेता हूं मैं राइट फॉर एग्जांपल, तो जो भी इसका कटाई का टाइम होगा ना, ध्यान रखना ये शुगर का, शुगर कटाई का जो टाइम होगा, क्योंकि इसमें शुगर बननी है तो कटाई का जो टाइम होगा उसके आसपास इसके प्राइस बहुत बुरी तरह बढ़ेंगे, इस बात का ध्यान रखना कि उस टाइम पर इसके जो प्राइस है बहुत तेजी से बढ़ेंगे, देखिए देख रहे हैं अभी इसको, हाँ मतलब बाकी टाइम पर आप इसको चेक करो, ये देखो जो भी टाइम रहा होगा ये जब आपकी फैक्ट्रीज नहीं चल रही होंगी या कम काम चल रहा होगा तो ये रिट्रेस करेगा राइट, और कहां पर आएगा बेस लाइन पर देखे राइट, और उसके बाद जब गन्ने की कटाई शुरू हो जाएगी और चीनी बननी शुरू हो जाएगी तो उस टाइम ये मूव करेगा, क्या समझे आप, देखिए यहां से 131 से और 154 तक अभी पहुंच चुका है, तो आपको केवल क्या करना है जब आपका मार्केट डाउन हो, मतलब गन्ने की कटाई ना हो रही हो, बुआई हो रही हो, तो उस टाइम पर आप इसका ध्यान रखें कहां तक आएगा और इसे आने दें, क्लाउड तक आ जाए तो और अच्छा है, और जैसे ही आपको पता लगा टाइम आ रहा है इसकी कटाई का तो आप इसे बाय करके रख लें, तो आपको बहुत बड़ा फायदा देके जा सकता है मार्केट राइट है, इस बात का ध्यान रखना जो भी शुगर मिल के साथ में काम करते हैं, ये देखो यहां पर वीक में मार्केट देख रहे ऊपर गया होगा और कहां पर नीचे आया, यहां पर आया ना नीचे, और देखो ये 2022 है 22 जैसे शुरू हुआ होगा यहां तक आया और उसके बाद चलने लगा ऊपर, तो इसको आप ऐसे अवध शुगर भी ये करके AVADH अवध शुगर करके भी है, ये देखिए सारे जितने शुगर मिल्स हैं उनका ये केस है, तो आप जब अपने ध्यान रखना कि कब कटाई होती है बुआई होती है, तो बुआई के टाइम पर ये नीचे आएगा
ठीक है, और जब कटाई होगी तो उसके टाइम पर तेजी से शूट करेगा ये एंड वेव, इस बात का ध्यान रखना ठीक है। तो शुगर केस मैं हालांकि इसमें डील नहीं करता जो शुगर की इसमें ये स्टॉक्स है, पर फिर भी मैं आपकी जनरल नॉलेज के लिए बता रहा हूँ राइट। अच्छा और बताए एलएनटी फाइनेंशियल, एलएनटी वाला कि एलटी वाला? एलटी फाइनेंशियल। अच्छा एलएनटी वाला, आइए चलिए इसको देखते हैं। और इसकी एक देखिए ट्रेंड लाइन बन रही है और वो ट्रेंड लाइन ब्रेक नहीं हो रही, काफी टाइम हो गया। जरा आप अगर इसको चेक करोगे ना, ये ऊपर से लगा लो और यहां तक लगा लो राइट जी, एक और भी लगा लो और वो ये लगा लो राइट। ये दो ट्रेंड लाइन इसकी ब्रेक नहीं हो रही है और अब जाके देखो मार्केट जो है अब इसके थोड़ा सा ऊपर आया है राइट। अब जाए इसके पास में चलते हैं थोड़े से, मार्केट ने एक रिट्रेस किया, मैं इसको हटाई देता हूं, लाइन को हटा देता हूं, मार्केट ने रिट्रेस किया देखो, और आपकी कन्वर्जन लाइन बाहर है और बेस लाइन भी बाहर आ गई राइट, दोनों आ गई और मार्केट में क्लाउड भी ग्रीन है, सब कुछ ओके है ना जी। लेकिन आपको कहां पर बाय करनी चाहिए, अब केसी आ गया, आपको कहां पर बाय करनी चाहिए? आपकी बाय ज्यादा अच्छी बाय यहां मिलती है ना, तो आप क्या करें यहां पर अपना ऑर्डर लगा के छोड़ दें, समझे मेरी बात? अगर मिल गया तो बहुत अच्छा है, मिल गया तो बहुत अच्छा है, नहीं मिला तो गम नहीं है, नुकसान तो नहीं होगा ना नहीं मिला तो। लेकिन अगर मिल गया 75 के आसपास खरीद जाए बिल्कुल, देखो इसमें कोई ऐसा कोई इश्यू नहीं है, आराम से ऊपर चला जाएगा, लेकिन आपको एवरेज आउट नीचे करना पड़ेगा और से राइट। चलिए और स्टॉक देख लेते हैं यहाँ पर नीचे, देखो यहाँ यूपीएल अडानी पोर्ट टाटा स्टील, चलिए पहले यूपीएल को ही देख लेते हैं, यूपीएल कहाँ जा रहा है? यस यूपीएल बताइए कहाँ जा रहा है, जरा बताए देख के मेरे को। ये रेजिस्टेंस पे आ रहा है अपने आज, आ रहा है, जरा इसको वीक में भी देख लेते हैं, वीक में भी अच्छा है सुंदर है ठीक है, इसको डे में भी देख लेते हैं, डे में भी अच्छा है, और अगर एक घंटे पे देखते हैं तो एक घंटे में भी अच्छा है। अब एक घंटा आपको कब बाय करने को बोल रहा बता दें, कन्वर्जन आप देखें बड़ा अच्छा है ये, लेकिन यूपीएल का बाय कब होगा? आपका बाय यहां, मैं नीचे लगाऊंगा इसका बाय यहां कहीं, मतलब कितना 795, और मैं और नीचे ले लेता हूं उसको 790 पे ले लेता हूं राइट। तो मेरी अगर बाय होगी तो वो मैं 790 पे लगाता हूं, इसको यहीं से लगा देता हूं राइट। कहां से लगाएंगे इसको 790, मतलब यहां पर भी लगा सकते हैं या और थोड़ा नीचे कर देता हूं मैं, और थोड़ा नीचे यहां लगा देता हूं दूसरी वाली एम वेव पर राइट। यहां से कुछ क्वांटिटी हम बाय कर लेते हैं, ये मैंने बाय कर दिया राइट है, चेक करें मैंने अपना ऑर्डर लगा चुका हूं, ये मेरा ऑर्डर है, मैं ऑर्डर लगा के छोड़ रहा हूं जिससे मेरे को कोई इश्यू ना हो। अडानी पोर्ट को भी देख लेते हैं, ये जब मेरे को मिलेंगे तो मेरे लिए अच्छे रहेंगे। अडानी पोर्ट को जरा वनडे में देख के बताइए क्या कर रहा है अडानी पोर्ट, क्या मेरे को बाय करना चाहिए अभी? नहीं ये तो बहुत ऊपर चला गया, इसको तो वापसी होगी, बहुत ऊपर है, मैं कब बाय कर सकता था? अब मेरे को वेट करना चाहिए कि कन्वर्जन लाइन के आसपास आ जाए तो मैं शायद सोचू बाय करने की। रिट्रेस तो करेगा ही करेगा, रिट्रेस करेगा ही, आज ही करेगा कल करेगा, रिट्रेस करने जरूर आएगा। ये देखिए कर रहा है रिट्रेस के लिए जी, लेकिन आपके लिए अच्छा क्या है? आपके लिए अच्छा है कि कम से कम बेस लाइन से रिट्रेस हो तो ज्यादा अच्छा है। देन और देखते हैं नीचे के कोई स्टॉक देखते हैं जो कि गिरे हुए हैं। एचडीएफसी बैंक हमने देख लिया, एचडीएफसी और कोटक एक्सिस, चलिए एचडीएफसी पे चलते हैं, एचडीएफसी क्या बोल रहा है देखिए जरा, एचडीएफसी क्या दिखा रहा है? एक घंटे में तो सेलिंग है इसकी बहुत अच्छे से, सेलिंग आ रखी है, जरा यहाँ पर चेक करते हैं यहाँ क्या हो रहा है, यहाँ भी क्या बोला था हमने, हमने क्या बोला हुआ था? मार्केट कहां पर आएगा? अपनी बेस लाइन तक ना, बेस लाइन तक आएगा। तो आप क्या देखो, मैंने आपको अभी अभी एक चीज समझाई थी, वो प्रूफ बाद में होती है, लेकिन होती है बाद में वो कहीं ना कहीं जाके प्रूफ,
मैंने आपको क्या बोला था, देखो अगर आप यहाँ पर बाय करते तो इस समय आप नुकसान में चल रहे होते ना, आप एवरेज आउट करने के लिए यहाँ पर बाय करते ना दोबारा। अगर मैंने ऑर्डर यहाँ लगाया होता 1%, भले ही मेरे को इस समय कुछ ना मिल रहा होता पर मैं नुकसान में तो नहीं था ना, तो मैं वर्स्ट केस में बाय करता हूँ। वर्स्ट केस कौन सा है? वर्स्ट केस कन्वर्जन लाइन नहीं है, वर्स्ट केस है मेरे पास बेस लाइन। तो आप बेस लाइन पर बाय लगाए अपना, मिल गया ठीक है, मिल गया तो आपको बहुत खुशी होगी, जब भी मिलेगा आपको बहुत खुशी होगी, लेकिन अगर आपको नहीं मिलेगा तो दुख नहीं होगा क्योंकि आपका नुकसान थोड़ा गया। अब चेक कर लीजिए, मैं इसको भी देखो बाय लगा देता हूँ, ये देखो ये मैंने बेस लाइन पर लगा दिया बाय, इसकी भी कुछ क्वांटिटी बाय पे लगा देते, जो मिलेगा नुकसान देखा जाएगा कितना नुकसान चल रहा है देख लेते हैं। ये देखिए मैंने रखा हुआ है बायोकॉन को, मैं हटाया नहीं है बायोकॉन को, यहीं पर रखा हुआ है बायोकॉन को, एक बार और देख लेते हैं बायोकॉन कर क्या रहा है, राइट, क्योंकि ये नीचे कहीं पर आके दोबारा ऊपर जाएगा, तो बायोकॉन को हम लोग देख लेते हैं एक बार क्या कर रहा है। ये देखिए रिट्रेस कर रहा है, और इसका रिट्रेसमेंट कहां तक आएगा, इसका रिट्रेसमेंट दोबारा से कन्वर्जन लाइन तक आ सकता है, राइट, तो मेरे को कन्वर्जन लाइन के आसपास इसे एवरेज आउट करना पड़ेगा एक बार, और मैंने यहां पर अपना बाय लगा के छोड़ा हुआ है, तो मेरे को टेंशन नहीं है ऊपर चला जाएगा मार्केट। इसको अगर एक घंटे में देखता हूं मार्केट, तो देखिए कहां तक आ सकता है बताएं, कन्वर्जन लाइन तक तो आ सकता है आराम से, कम से कम कन्वर्जन लाइन तक, क्योंकि ये बड़ी कैंडल बनी थी तो मार्केट कन्वर्जन लाइन तक आ सकता है, उसमें कोई बड़ी बात नहीं है। तो मैंने यहाँ पर बेस लाइन पर लगा के छोड़ा है कि मार्केट नीचे आएगा तो बेस लाइन पर मेरे को कुछ एवरेज आउट करेगा। चलते हैं और आगे, अब चलते हैं यूनाइटेड स्प्लिट, देखें सर यूनाइटेड स्प्लिट, एक मिनट कोटक बैंक को भी देख लेता हूँ एक बार में, फिर आगे चलेंगे, ठीक है एक मिनट। देखिए कोटक बैंक भी नीचे आ रहा है, जरा इसको चेक करिए, जब कभी भी आपको ये लगे कि भाई एक घंटे में मार्केट नीचे आ रहा है, ठीक है, जब कभी भी देखिए आपको ऐसा लगता है मार्केट एक घंटे में नीचे आ रहा है, तो आप जाके दिन में चेक कीजिए कि रिट्रेसमेंट है कि नहीं है। आप मेरे को एक चीज बताइए छोटी सी, यहाँ इसी पॉइंट पर ही देखो, मैं एक घंटे में देख रहा हूं मार्केट नीचे आ रहा है, तो यहां पर डे में क्या पॉसिबिलिटी हो सकती है? पहली पॉसिबिलिटी है डे के अंदर मेरे को चेक करना है मार्केट क्लाउड के नीचे है या ऊपर है, क्या फर्क होगा दोनों में, मार्केट नीचे या ऊपर होने पर? अगर मार्केट ऊपर होगा तो डे में रिट्रेस कर रहा होगा ना जी, लेकिन मार्केट अगर नीचे होगा तो ये शॉर्ट कर रहा होगा बड़ा, मतलब मार्केट इसके नीचे आएगा और शॉर्ट हो जाएगा बड़ा होगा। तो इस समय अगर इसको सही में बाय में जाना है तो क्लाउड के ऊपर होना चाहिए ना इसे वन डे में जी, देखते हैं जरा मार्केट क्या कर रहा है, क्या क्लाउड के ऊपर है? नहीं नीचे नहीं है, इसका मतलब मैं इसमें रिट्रेसमेंट में बाय नहीं करूंगा ना, बाय नहीं नहीं है ना भाई, मैं रिट्रेसमेंट में बाय नहीं करूंगा गलती से भी, ये तो मैं सेलिंग करूंगा नीचे जाके, क्या समझे? क्रॉसओवर भले ही आ रहा है लेकिन वो देखो अभी क्रॉसओवर के केस में मार्केट अभी नीचे है, मार्केट नीचे है और आपकी चीकू स्पैन कहां बैठी है, ये रही है, क्या दिखाई दे रही है देखिए जरा, मार्केट ने देखो चीकू स्पैन ने ट्राई किया था और वापिस गिर के नीचे आ रही है, मैं कब इसे बाय करूंगा बताएं? अब बताएं सिचुएशन थोड़ी सी अलग हो गई, मैं कब बाय करूंगा इसे? इस लास्ट वाली कैंडल के ऊपर करेंगे सर एटलीस्ट, अगर मार्केट देखो अगर मार्केट यहां पर आ जाए, अगर मार्केट यहां पर आ जाए और चीकू स्पैन ऐसे मूव करने लगे तो मैं बाय करूंगा, पॉइंट समझे? चीकू स्पैन टिल्ड होनी चाहिए इस साइड पर, मार्केट दिखा रहा है कि आपके पास एक बाय है मगर तिल्ड यहां पर होना चाहिए इस जगह पर, तब मैं इसका बाय लूंगा। जैसे आप काम करेंगे तो आपको समझ में आना शुरू हो जाएगा। यहां पर आपको क्या दिखाई दे रहा है बताएं, स्पैन भी और स्पैन है नीचे डाउन में, अभी मैं थोड़ा सा रुक जाऊंगा इस पे, राइट, और यूनाइटेड स्प्लिट, यूनाइटेड स्प्लिट एसपीआई एसपीआई नहीं, इसमें नहीं दिखा रहा मेरे को, कुछ और बोले उसके बाद है से बीपीसीएल, क्या बीपीसीएल? हाँ
बीपीसीएल, बीपीसीएल एक बाय में आने वाला था अगर मैं सही हूँ तो, ये देखो आ रहा है। बीपीसीएल को रख सकते हैं बाय में या नहीं रख सकते बताएं? और वन आवर में सर, पहले वन डे ही देखे, वन डे में बाय में आ रहा है कि नहीं आ रहा, बिल्कुल बाय में आ रहा है ये, मंथ में भी ओके है राइट, और डे में तो ओके है ही, इसको घंटे भर में भी ओके है, सही है। आप इसको क्या करें, इसको नीचे से बाय लगा दें 372 से लगा के छोड़ दें राइट। देखो यहां से लगा के ना इसकी बाय छोड़ दें भाई, मिल जाएगा मेरे को बहुत अच्छा है, मेरे को क्या फर्क पड़ना, अगर ये मिल जाएगा नीचे तो अच्छा खासा ऊपर जाएगा, मेरे को कुछ ना कुछ देखे ही चला जाएगा। सर एक और है सर, एच ओ सी एल, एच ओ सी एल, ये चलो इसको भी देख लेते हैं एक मिनट, जरा देखें यहाँ पर क्या हो रहा है, क्लाउड से रिजेक्शन आ रहा है, क्लाउड से रिजेक्शन आ रहा है, लेकिन लेकिन मेरे को पूरा क्लाउड क्या बोल रहा है, क्लाउड तो बेरिश है सर, ग्रीन का कोई, हाँ क्या मैं इसे बाय करूँ अभी? नहीं सर नहीं, ये बाय नहीं होगा अभी, ये बाय मुश्किल करेगा आपको, इसलिए भी थोड़ा सा रुक जाए। और ये कब होगा, अभी देखिए पहले पहले कौन सी लाइन निकलनी चाहिए क्लाउड से बाहर बताएं? कन्वर्जन लाइन, कन्वर्जन लाइन, यहाँ के केस में कौन निकलेगा अगर ऊपर जाएगा तो बेस लाइन। हाँ जी अभी आप समय लगेगा, आपको आपको वेट करना चाहिए कन्वर्जन लाइन पहले क्रॉस करके, पहले तो क्रॉस करेगी ना तब तो ऊपर जाएगी। हाँ जी हाँ जी, तो अभी आपका बाय एक अच्छा बाय नहीं होगा, आपको इश्यू कर सकता है राइट है। ओके सर, और बताए सर, मारिको देख लो सर, मारिको, मारिको जी, ये देखिए एक रिप्लेसमेंट हुआ है एसबीआईएल में, मैं वेट कर रहा है रिप्लेसमेंट का, ये देखिए यहाँ से बाय राइट, मारिको देख लेते, मारिको क्या कर रहा है, मैं रिफ्रेश कर देता हूँ एक बार से, क्या हुआ फ्रीज हो गया? हाँ मेरा एक मिनट, मेरा नेट डिस्टर्ब हुआ है, एक मिनट नेट जरा मेरा थोड़ा सा इश्यू कर रहा है राइट, आज थोड़ा मैं इसको ठीक कराना है मेरे नेट को, एक मिनट मैं दूसरा नेट लगा देता हूँ अगर इसको जल्दी। यस चलिए अब देखिए क्या हुआ, हमने मारिको अगर देख रहे हैं मारिको, तो मारिको आपको क्या दिखा रहा है जरा बताएं मेरे को, आप लोग ही बताएं प्लीज। यस क्या दिखा रहा है यहाँ पर, और बड़ा करके देखते हैं, बड़ा करके देखते हैं मारिको को, मारिको क्या कर रहा है बताएं यहाँ पर इस समय, कन्वर्जन लाइन से रिजेक्शन ले रहा है, अपनी कन्वर्जन लाइन से रिजेक्शन ले रहा है, अगर ये पूरा रिजेक्शन ले गया नीचे तक तो क्या होगा, बेस लाइन पे आ जाएगा, अगर मार्केट पूरा रिजेक्शन ले जाता है नीचे तक तो फिर आपके पास एक बड़ा डाउन बेस लाइन तक मिल जाएगा आपको राइट, बड़ा डाउन तो इसको एकदम से मेरे ख्याल से बाय करना भी सही नहीं है, थोड़ा सा रुक जाए, थोड़ा सा रुक जाए इसके केस ठीक है। अभी देखो मार्केट यहाँ पर भी एक अच्छी पोजिशन पे नहीं है, और मैं डे पर भी देख लेता हूँ, डे पर भी नहीं, बहुत अच्छी पोजिशन नहीं है, और अगर आप इसकी ट्रेंड लाइन भी बनाते हैं तो देखो मेरी ट्रेंड लाइन बन के आ रही है यहाँ पर, और मार्केट वहां से रिजेक्शन ले रहा है, ले भी रहा है, ये देखिए राइट, मतलब मार्केट अभी ट्रेंड लाइन को ब्रेक तो किया है लेकिन यह कितना सस्टेन करता है मेरे को देखना पड़ेगा, ये देखिए मार्केट ने क्या किया बताएं, इसको इसके नीचे शॉर्ट करें, अगर शॉर्ट करना है तो इसके नीचे करें ओके
राइट, यहाँ पर मत शॉर्ट करें क्योंकि मार्केट ने गैप डाउन खोला है और अगर मार्केट यहाँ पर सपोर्ट ले गया अपनी बेस लाइन पर तो फिर पूरा ऊपर ब्रेक कर जाएगा, ठीक है। तो एकदम से शॉर्ट मत करें, इसको नीचे आने दें, थोड़ा सा नीचे आने दें, राइट। अब नेटवर्क घंटे भर में, हाँ जी नेटवर्क 18 सर, क्या बोल रहे हैं नेटवर्क 18 आज मेरा नेट भी थोड़ा डिस्टर्ब हो रखा है तो मेरे को चेक करना कराना है ये नेट। अभी देखिए मार्केट यहां से अपना एक सपोर्ट पकड़ सकता है, मार्केट का सपोर्ट यहां से आ सकता है, तो अगर मार्केट यहां से रिजेक्शन लेगा नीचे तब मैं कोई सेल ले सकता हूं यहां पर इसका, अभी नहीं, पहले इसको आ जाने दीजिए। इसके बायर अंदर क्या बोल रहे हैं बताएं, 263 और 2 बायर ज्यादा है ना, यस सर, क्या बोलते हैं बायर ज्यादा है, तो मैं इसे भी एकदम से नहीं सेल करूंगा, थोड़ा सा रुकेंगे, इसको नीचे आने देंगे जरा सा, तो मैं सोचूंगा इसके सेल के लिए, अभी नहीं, अभी तो देखो सपोर्ट ले रहा है, देख रहे हैं यस सर, क्यों सर जी अभी तो सपोर्ट ले रहा है ये देखिए, अभी मैं इसको सेल नहीं करूंगा, अगर इसके नीचे चलने लगेगा तब आपके पास सेल का कोई केस हो सकता है 525 और 530 पर। इसके नीचे अब रेड कैंडल बनाएगा तब आप शायद सोच पाएंगे कि मेरे पास कोई सेल आएगी, और इस केस में मेरे पास 5 मिनट में क्या होना चाहिए बताएं, यह जल्दी से बताएं 5 मिनट में क्या होना चाहिए, लाउड के नीचे होना चाहिए, देखते हैं अब मार्केट 5 मिनट में क्या करता है, ये देखिए जी क्या कर रहा है मार्केट, मतलब मेरा इस जगह पर मेरा एसएल यहां होना चाहिए कि नहीं, यहां पर अपने सीपीआर भी लगा ले चाहे तो, सेंट्रल पिवोट रेंज कहां है ये रही, सीपीआर से नीचे ट्रेड कर रहा है मार्केट, देखिए yes, अब आपको इसे सेलिंग कहां पर करनी चाहिए तरीके से, आपकी सेलिंग बनती है इसके नीचे राइट जी, यहां नहीं बनती आपकी सेलिंग, मार्केट एक रिट्रेसमेंट किया है, मार्केट का मूव समझो जरा, मार्केट ने रिट्रेस किया और अगला रिट्रेसमेंट इसके ऊपर लिया है इसने राइट लिया है यहां पर, अब इसने अपना लो ब्रेक कर दिया, देखिए अपना पहला वाला लो इसने ब्रेक किया, छोटी क्वांटिटी आप यहाँ पर शॉर्ट कर पाएंगे, देखिए छोटी सी कोई क्वांटिटी आप इसमें शॉर्ट कर लीजिए, सपोज 50 क्वांटिटी आप यहाँ पर शॉर्ट करके रख लीजिए, ये देखिए देख लेते हैं करा नहीं करा इसने, 50 क्वांटिटी मैंने छोटी सी शॉर्ट करी है, और मेरा स्टॉप लॉस कहां पर होना चाहिए बताएं इसका, वैसे तरीके से इसकी सेलिंग यहां पर है, पहले बता दूं मैं यहां पर नहीं है जहां पर मैंने की है, इसकी सेलिंग कहां पर है बताएं, इसकी सेलिंग इसके नीचे ही है, मैं तो करके दिखाता रहता हूं आप मत करिएगा ये, क्योंकि इसकी जगह नहीं है सेलिंग की, देन मेरा स्टॉप लॉस कहां पर होना चाहिए, मेरा स्टॉप लॉस यहां पर 530 के आसपास होना चाहिए राइट, एसएल कितना होना चाहिए 30 पर, 30 पर अपना एसएल रख सकते हैं, अब चलने दीजिए इसे थोड़ा सा जाने दीजिए इसको राइट, लेकिन आपकी सेलिंग कहां होगी इसके नीचे, ध्यान रखिएगा सेलिंग उसके नीचे ही होगी, ऊपर सेलिंग नहीं करनी है, मैं तो करता रहता हूं इसलिए मुझे फर्क नहीं पड़ता, मैं तो नुकसान भी होगा तो भी कहीं ना कहीं से कवर कर दूंगा, लेकिन आपको नुकसान पड़ सकता है इसमें, इस बात का ध्यान रखिएगा राइट। Okay, अच्छा चलिए आगे चले, आज देखिए हमने दो स्टॉक ले रखे हैं दोनों माइनस में, एक स्टॉक बायोकॉन मैंने रखा हुआ है क्योंकि वो होल्डिंग है और आराम से वो जा सकता है ऊपर अभी, लेकिन आज नहीं जाएगा, ये मैंने आपको लेते हुए बोला था कि बायोकॉन आज नहीं जाएगा, बायोकॉन 3-4-5-10 दिन ले सकता है, देन 3-4-5-10 दिन डील देखिए डील ZEEL झील एंटरटेनमेंट सेक्शन है, झील एंटरटेनमेंट सेक्शन है, एक मिनट इसका मैं पहले टारगेट लगा लेता हूं यहां से नीचे से 522.7 राइट 522.7 पे कुछ निकाल देंगे, डन चलिए अब चलते हैं देखते हैं झील को, झील क्या कर रहा है, झील को देख लेते हैं झील क्या कर रहा है। गुड मॉर्निंग सर। मॉर्निंग मॉर्निंग कैसे हैं? फाइन सर, सॉरी सर लेट हो गया थोड़ा। हाँ बिल्कुल कोई इशू नहीं, अभी देखिए झील आपके पास, झील एक सेक्शन बहुत अच्छा है झील का, अभी इसने एंट्री करी है, एंट्री करी है, एक मिनट में इसे बाकी भी देख लेता हूँ, यहाँ पर ओके है यहाँ पर, ठीक है यहाँ पर भी ओके है और यहाँ पर भी ओके है,
राइट है ओके, आप इसको थोड़ी सी क्वांटिटी बाय करके रख ले राइट, फॉर एग्जाम्पल 25 क्वांटिटी लॉन्ग टर्म के लिए बाय करके रख ले, ये देखिए हाँ इसे चलने दे अभी आराम से, ये भी आज नहीं जाएगा, ये भी आपको दो तीन चार दिन बाद ऊपर मिलेगा, अभी नहीं मिलेगा, तो इसलिए अभी एकदम से इसकी जल्दीबाजी मत करना, नुकसान कर सकता है राइट। इसको रखे रहिए, रखे रहेंगे तो फायदे में आ जाएगा। मालिक को देखिए शायद नीचे चल गया, ये थोड़ा सा कहाँ गया है, ये क्या देखिए, मैंने आप फ्रीज हो गई फिर से स्क्रीन, देन इस पॉइंट से नीचे सेलिंग है इसकी, अगर वहां से जाएगा नीचे तो ही आप सेल कर पाएंगे, ये देखिए कितना दिखा रहा है नुकसान, आप नुकसान को चेक कर सकते हैं कितना नुकसान दिखा रहा है, हमने इसको रखा हुआ है, तब रखा हुआ है, लेकिन यहां पर आपको क्या दिखा रहा है ऊपर जरा बताए, क्या दिखा रहा है ऊपर, क्रॉस ओवर कर रहा है ये 5 मिनट में, अभी थोड़ा सा एक छोटा सा पॉइंट है, छोटा सा वो शायद आपकी समझ में आ जाएगा अच्छी तरह से ज्यादा अच्छा करके, देखो मार्केट, मार्केट ने ये अपना लो बनाया था और मार्केट को इससे अगर ऊपर ऊपर कहीं पर भी हाई बना देगा तो आपको मार्केट एक बाय तरफ निकल सकता है राइट, देखें यस और नो आया, कितने रह गए हमारे स्टॉक बताएं, 10 ही बचे हुए ठीक है, अब मेरे को यहां पर आने दीजिए नीचे, नीचे और आने दीजिए थोड़ा सा ठीक है, ये हटा देते हैं, इसका कोई काम तुम्हारा है नहीं, देन तो हमने एक स्टॉक हमारे पास छोटा सा था लेकिन हमने इसमें कब सेलिंग बोली थी, हमने बोली इसके नीचे सेलिंग राइट, अब मार्केट क्या कर सकता है, मार्केट यहां से आके और इसके ऊपर ही ऊपर, मतलब इससे नीचे नहीं आएगा, मार्केट इसके ऊपर ही ऊपर एक बाय में जा सकता है राइट ठीक है, यहां से अब चलते हैं आगे, देखो बायोकॉन और जील, मैंने अब कितने स्टॉक अपने होल्डिंग पे रख लिए हैं, देखिए मैंने 3 स्टॉक अपने होल्डिंग पे रख लिए हैं, अब कौन कौन से स्टॉक है, 2 स्टॉक मेरे ऑलरेडी होल्डिंग पे, एचडीएफसी लाइफ देखिए होल्डिंग पर है ना, और देखो नुकसान भी दे रहा है, नुकसान भी दे रहा है तब भी मैं रखे बैठा हूं, क्यों ऐसा क्यों है भाई, रिजल्ट क्या है इसके रखने का, आप जरा चेक करें, और इसको हम मैं एचडीएफसी लाइफ लगा लेता हूं यहां पर और चेक करते हैं मैंने क्यों रखा हुआ है इसको, जरा इसको यहां पर चेक करें, वनडे में मार्केट कहां तक आएगा, यहां तक ना जी, ये मेरी एवरेजिंग की जगह है और मार्केट को मेरे को यही एवरेज करना है, भले ही मेरे को कुछ नुकसान दिखा रहा है वो देखिए, भले ही आपके पास 100-150 रुपए का नुकसान दिखाएगा, निकाल दिखाने दीजिए, ये कवर हो जाएगा बड़ी जल्दी, पोजीशन में हमने 2 और रखे हैं, कौन कौन से, एक बायोकॉन और एक वील, ये तीनों हमने होल्डिंग पे डाल दिए, तीनों होल्डिंग पे हमने डाल के रख दिए राइट, होल्डिंग में जरूरी नहीं है कि आज ही आपको फायदा मिले, फायदा आपको कई दिन बाद मिलेगा, 2-3-4-5 दिन फायदा बाद फायदा मिलेगा, एकदम से फायदा नहीं होता, हमने कितने ट्रेड किए आज पूरे दिन में, 3 मुश्किल से, क्या हमने, क्या हमारा क्लास का टारगेट पूरा हुआ बताए, नहीं ना, नहीं भाभी, क्यों कितना आप बताएं, मेरा क्लास का टारगेट कितना रहता है, कम से कम 1000 रुपए ना इस क्लास के अंदर जी, और कितने रुपए लिए, कितने रुपए लिए हमने, 10 रुपए सर, हिंडल को सर, लेकिन आप ये सोचो कि हाँ नहीं, अब तो बढ़ाना था मैंने, लेकिन देखो 2 पार्ट होते हैं, पहला पार्ट ये होता है कि या तो मैं आपको समझाऊं और या पैसा दिखाऊं, मेरे को ज्यादा अच्छा लगता है आपको समझाना, क्यों, क्योंकि अगर मैं आपको 5000 भी निकाल के दिखाऊंगा, ये 5000 तो मेरे है ना, आपका क्या है, मेरी बात समझे, मैं आपको 50000 भी निकाल के दिखा दूं, 50000 भी मेरे हैं आपके नहीं है, लेकिन जो नॉलेज मैंने आपको दी वो तो आपकी है ना, मेरी बात समझ रहे, इसीलिए मेरे को फर्क नहीं पड़ता, देखो कई बार ऐसा लगता है कि भाई इतने टाइम पे मैं तो अपना पैसा कमा लेता, लेकिन मैं उसका फर्क नहीं करता, क्योंकि मेरे को समझाने में ज्यादा अच्छा लगता है भाई, समझाने में मेरे को मजा आता है, तो हिंडाल को, चलो हिंडाल को देख लेते हैं एक बार,
एक मिनट मैं पहले हिंडाल्को को बड़ा करके देख लू जरा। हिंडाल्को देखो है तो बाय पे आपका, लेकिन हिंडाल्को को ना थोड़ा सा रिप्लेसमेंट चेक करना, ये इसका यहाँ रिप्लेसमेंट अच्छा नहीं है, यहाँ पर रिप्लेसमेंट अच्छा नहीं है, मतलब यहाँ से बाय करना अच्छा नहीं है, इसको थोड़ा सा अपनी बेस लाइन के आसपास आने दीजिए, राइट, तो आपको ज्यादा अच्छा बाय मिलेगा। देखो यहाँ से बैक ही कर रहा है ना, अभी बैक कर रहा है, तो आपको यहाँ कहीं पर बाय देना चाहिए इस जगह पर नीचे। सर एसीसी निकल रहा है सर, बाय 38, तो हिंडाल्को को बाय मत करना अभी, थोड़ा सा नीचे आने दे। ओके सर थैंक यू। ये देखिए एसीसी अच्छा है, एसीसी अच्छा है, लेकिन एसीसी में भी कमी है, हालांकि इसे ले सकते हैं, देखो ले सकते हैं, लेकिन इसमें कमी है, आप बताएं कमी क्या है, कौन बताएगा, मैं नहीं बताऊंगा। ट्रेन लाइन भी से अभी शायद बाहर नहीं आया, और और जब बेस लाइन भी इसकी दूर है, बेस लाइन बाहर नीचे सर, नीचे है अभी। ये जो ऊपर आपको जो दिख रहा है ना, इसका एक क्लाउड दिख रहा है, ये फ्लैट है, ऊपर का जो क्लाउड है ना ये फ्लैट है, समझ रहे, और ये फ्लैट क्लाउड रिजेक्शन बिल्कुल पास में बैठा, अगर ये यहाँ होता ना मैं ले लेता, लेकिन ये बिल्कुल क्लाउड के पास पे है, तो इस समय मेरे को इसे बाय लेने में थोड़ी सी इशू होगी। क्यों इशू होगी, या तो मार्केट इसके बाहर निकल जाए तो मैं ले लूंगा बाय, लेकिन यहां पर इस पॉइंट पर मेरे को थोड़ा सा इशू रहेगा कि मार्केट वहां से रिजेक्शन ले सकता है। ये देखिए दिख रहा है कहां तक आ सकता है मार्केट, कम से कम यहां तक, और चूंकि एसीसी है आपके पास अंदाजा नहीं 2100 का स्टॉक है, तो आपके पास 5000 पॉइंट नीचे आराम से आ सकता है, तो इसलिए एसीसी को बाय करते हुए मैं थोड़ा सा सोचूंगा अभी, तभी थोड़ा सा नीचे से कहीं बाय करें, ऊपर से बाय मत करें। एक बार निफ्टी को और जज कर लेते हैं, फिर क्लास को बंद करेंगे, निफ्टी 50 एक बार और देख लेते हैं। देखिए यस निफ्टी 50 कहाँ आ गया डे में, क्या आ गया नीचे, देखिए नहीं आया ना, ये यहीं घूमता रहेगा निफ्टी 50 यहीं घूमता रहेगा, और कब तक घूमेगा बताएं, जब तक कि ये लाइन इसके अंदर नहीं घुसेगी, और ये लाइन घुसेगी कल, तो मोस्ट प्रोबेबली निफ्टी आपको यहां पर या यहां पर मिलेगा ही मिलेगा तब। तो अभी बाय मत करें, बाय करके नुकसान है, और सेल भी नहीं। हाँ जी सर, जीनस पावर और बता दीजिए, जीनस पावर सर निफ्टी को सेल कर सकते हैं? नहीं मत करिए, निफ्टी को सेल मत करिए, नुकसान में जाएंगे, राइट, जबरदस्ती सेल बाय नहीं करती है, आपको पोजीशन मिले तो आप बाय करें तो ज्यादा अच्छा रहेगा। देखो ये दोनों जीनस पावर अभी घुसा है ये मार्केट के अंदर, ये देखो क्लाउड के अंदर दोनों एंट्री कर रहे हैं, इस समय आपका जो मार्केट है ये नीचे आएगा, और यहाँ कम से कम क्लाउड तक आने की इसकी पॉसिबिलिटी रहेगी, तो अगर बाय करना चाहते हैं आप यहाँ से बाय करना है इसको। सर मुझे प्रॉफिट बुक करना है, मैं कर प्रॉफिट तो बुक कर लूँ सर, मेरे प्रॉफिट बुक कर ले, कर ले कर ले प्रॉफिट बुक, राइट, लेकिन पूरा प्रॉफिट बुक 150 है सर मेरे पास, और प्रॉफिट कितना चल रहा है, कहाँ से बाय किया हुआ है, 25% है सर मेरा, मेरा बाय किया हुआ है सर 64 पे किया हुआ है भाई। हाँ एक काम करें, इसमें से थोड़ा सा प्रॉफिट बुक कर ले, अराउंड 75% प्रॉफिट बुक कर ले, ये भी नीचे आएगा, तो यहाँ से फिर से दोबारा बाय कर देना इसको, डन, दोबारा से बाय कर देना इसको, मतलब सेल नहीं करना, सेल मत करना, बाय करना। एक सवाल था, हाँ जी, कि आप यहाँ पे जो देखने में वॉल्यूम का यूज नहीं करते हैं बिल्कुल भी, तो वॉल्यूम का क्या रोल है इसमें? वॉल्यूम का रोल बहुत बड़ा है, लेकिन मैं वॉल्यूम क्यों नहीं यूज करता, ये बहुत बड़ा फैक्टर है, राइट, जबकि सारे लोग अपना प्राइस एक्शन में वॉल्यूम, मतलब मैं जो मिथ बने हुए ना उनको तोड़ने पर विश्वास रखता हूँ, सीधी सीधी बात तो शादी है जी। लोग ये बोलते हैं, लोगों का मानना है कि जो वॉल्यूम के बगैर काम नहीं होता जी, ट्रेंड लाइन ब्रेक हुई वॉल्यूम के साथ होनी चाहिए, सपोर्ट ब्रेक हुआ वॉल्यूम के साथ होना चाहिए, सब वॉल्यूम बराबर बराबर होना चाहिए ना जी, जी मैं वॉल्यूम का यूज ही नहीं करता कहीं कभी,
क्योंकि रीजन क्या है, यहाँ पर देखो अगर मैं यहाँ पर वॉल्यूम लगा दूंगा, देखो मैं यहाँ पर ये वॉल्यूम लगा देता हूँ, ये वॉल्यूम चार्ट, ये जो चार्ट होता है सर दो चीजें, ठीक है, ये जो चार्ट होता है ये आपको ये रेड दिख रहा है ना अभी जी, दिख रही है ये आवाज, आवाज चली गई सर आपकी, फ्रीज हो गया, ये मैंने इसे 5 मिनट में लगाया, आने दीजिए 5 मिनट, ये रहा मार्केट के अंदर रेड कैंडल बनी, ये ग्रीन कैंडल बनी हुई है, बनी हुई है, आप क्या सोचेंगे मार्केट ऊपर जाएगा ना जी, यही तो सोचेंगे, अब ये सेकंड में रेड हो जाएगी, मतलब इसके बेस पर मैं बाय नहीं कर सकता, समझिए अगर आपको वॉल्यूम बेस पर करना ही चाहते हैं बाय, 1% करना ही चाहते हैं बाय, तो आपको क्या देखना होगा, इस समय मेरी वॉल्यूम कितना गिरना चाहिए, ग्रीन वॉल्यूम कम से कम इस कैंडल से बड़ा होना चाहिए मेरा वॉल्यूम, राइट जी, तो अगर इस कैंडल से बड़ा हो गया वॉल्यूम तब मेरे को कोई बाय मिलेगी, नहीं तो नहीं मिल सकती बाय, किसी भी कंडीशन में नहीं मिलेगी। आप यहाँ पर वनडे में चेक कीजिए, वनडे में चेक कीजिए, यहाँ पर क्या हुआ था, पुरानी वाली जो रेड कैंडल थी, रेड कैंडल से बड़ा बाय मिला था मेरे को ग्रीन की, नहीं जी जी मिला था, तो आप देखिए आपको बाय मिली, अब यहाँ पर जरा चेक कीजिए यहाँ पर क्या हुआ, बड़ी रेड कैंडल कौन सी थी, ये थी ना जी, डाउन में आते हुए समझे, ये भी एक अलग ही इशू है, मार्केट में डाउन में आते हुए ये रेड कैंडल थी, मतलब राइट जी, दूसरी कैंडल ये थी, बड़ी कैंडल कौन सी है, ये है ना जी, मतलब जब तक इससे बड़ा ग्रीन कैंडल नहीं बनेगी बाय नहीं आ सकती, आप बताएं ये ग्रीन कैंडल बनी थी ये बाय आया था, पर क्या इससे बड़ा था, नहीं 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 था, ये मेरी बाय थी नहीं, आप देखिए उसके बाद देखिए रेड कैंडल, उसके बाद रेड कैंडल, उसके बाद रेड कैंडल, उसके बाद रेड कैंडल, कोई भी ग्रीन कैंडल इससे अब बड़ी, सबसे बड़ी कैंडल कौन सी बन गई, ये वाली ना, अब ये हो गई है, अब इससे बड़ी होगी, मतलब मेरा जो बाय इससे ऊपर होना चाहिए कि नहीं, सिंपल लॉजिक है, उसके ऊपर होना ही चाहिए, नहीं तो मेरे को बाय नहीं मिलेगी, तो वॉल्यूम को अगर हम जो वनडे में देखते हैं तो वो फिर ज्यादा सही रहे, सही है, नेगेटिव छोटे जमा देने का टाइम फ्रेम के मुकाबले में, यस, अब देखो अगर मैं पीछे के वॉल्यूम चेक करता हूँ तो सबसे बड़ा वॉल्यूम मेरे को आसपास का कौन सा मिला हुआ, ये था ना नेगेटिव वॉल्यूम जी, अब मैं मेरा मतलब अब इसके ऊपर बाय जानी चाहिए थी, ये कि नहीं, क्या हाँ तो ये वाली से गई, ये देखो ब्रेकआउट मिला, सही रहा ना ब्रेकआउट, आप देखो इसके नीचे ऐसे ही चलता रहा ना इधर उधर इधर उधर, तो वॉल्यूम मैं वॉल्यूम को ज्यादा यूज नहीं करता, लेकिन आप चाहो तो वॉल्यूम यूज कर सकते हो, मर्जी है वो तो आपकी, भाई चार्ट आपका है, फिर तो शादी नहीं, वो चार्ट आपका है, लेकिन वो तो अगर जब तक इसकी जानकारी सही नहीं होगी तो फायदा क्या होगा, वो तो नुकसान करवा के बैठेंगे हम, वॉल्यूम नुकसान करता है, वॉल्यूम फायदा नहीं करता, वॉल्यूम ट्रेडर्स को बहुत बड़ा नुकसान करता है, नहीं समझे, ये फेक भी जनरेट होते हैं क्या वॉल्यूम, हाँ बहुत सारे बहुत सारे बहुत इश्यू होते हैं, इसलिए मैं वॉल्यूम को यूज नहीं करता कभी भी, भाई आप एक बता, वॉल्यूम के बगैर भी ट्रेडिंग हो रही है ना, हो रही है मैं पिछले 5 साल से ट्रेडिंग कर रहा हूँ, पिछले 5 साल से, और वॉल्यूम के बगैर ही कर रहा हूँ, क्या मेरी ट्रेडिंग खराब जा रही है बताए, नहीं नहीं कुछ भी नहीं, तो क्यों जबरदस्ती वॉल्यूम को यूज करता है, RSI मैं यूज नहीं करता, MACD मैं यूज नहीं करता, राइट, बॉलिंगर बैंड मैं यूज नहीं करता, आपने देखा कभी मेरे को ऐसे यूज करते हुए, नहीं, नहीं, नहीं। मैं मैक्सिमम क्या यूज करता हूँ, मैं मैक्सिमम क्लाउड यूज करता हूँ, बॉलिंगर बैंड तो यहाँ पर जो बहुत लोग यूज करते हैं, बहुत जबरदस्त करते हैं, नहीं सर मैं नहीं बोल रहा बॉलिंगर बैंड गलत है, देखो मैंने ऐसा कोई स्टेटमेंट नहीं बोला कि बॉलिंगर बैंड गलत है, मैंने कहा मैं यूज नहीं करता, मैं यूज नहीं करता हूँ, मैं ये नहीं कह रहा हूँ, मैं ये कह रहा हूँ कि उसके आधार पर मार्केट में बहुत लोग ट्रेड करते हैं, और उसका स्पेसिफिक्स होंगे कुछ, क्योंकि मैं तो नहीं जानता उस विषय में ज्यादा, लेकिन वो काफी यूज होता है बॉलिंगर बैंड, बॉलिंगर बैंड देखो आपको अपनी एक स्ट्रेटेजी पकड़नी होती है, जब आप शादी सब कुछ कर लेंगे ना तो आप अपनी कोई स्ट्रेटेजी पकड़ेंगे जिसपे आप काम कर सकते हैं, राइट जी, मैं इतनी सारी कारें आपको कोई सी कार तो अच्छी लगेगी जी, ऐसा तो नहीं सारी अच्छी होगी, किसी पर आप हाथ रखोगे उसी को खरीदोगे, जब खरीदने की बात आएगी तो
ऐसे ही जब ट्रेडिंग करोगे तो इतने सारे इंडिकेटर है, कोई इंडिकेटर आपको अच्छा जरूर लगेगा जी, आपको उसी को पकड़ना है। वो बोलिंगर बैंड भी हो सकता है, वो वॉल्यूम भी हो सकता है, वो RSI भी हो सकता है, वो क्लाउड भी हो सकता है। जी, आपकी एक्सपर्टीज जिसमें है वो आपका जरूरी है। आप देखो कई सारे लोग ऐसे हैं जो कि मूविंग एवरेज पे काम करते हैं, देखिए जी मैंने ये मूविंग एवरेज है जी, इस पे लोग काम करते हैं बहुत सारे, वो केवल और केवल मूविंग एवरेज पे काम करते हैं, वो भी करते हैं लोग आराम से। ठीक है, किसी पे भी आप काम कर सकते हैं, कोई नई बात नहीं है, लेकिन आपको उसके लिए एक्सपर्टीज होना जरूरी है। क्लियर है जी। चलिए मैं रोकता हूँ क्लास को, फिर मिलते हैं हम लोग। आज हमने कोई ट्रेड नहीं किया, देखिए आज हमने कोई ट्रेड नहीं किया, हम खाली बैठे हैं आज की डेट में, राइट जी। ये देखिए, और ये दोनों हमने होल्डिंग पे रखे हैं, दोनों होल्डिंग पे रखे हुए, इनको मैं निकालूंगा नहीं, ऐसे ही पड़े रहेंगे जी। चलिए मैं, हाँ जी आई ई।